हेलो दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो तो मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई रविंद्र पांचाल पर और एक प्यारी सी राम राम मेरी तरफ से सभी को एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ भाई और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सेशन में जोड़ लो क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन ये भी रहने वाला है और कल का सेशन उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने देखा होगा एक बहुत ही जबरदस्त क्लास थी कल की बहुत प्यारी क्लास थी जो आपको पूरे मैथ के दौरान काम आएगी तो सभी को नमस्कार है अमित सैनी अमित विक्रम कृति सुरेंद्र परी अनीता मनीषा साइलेंट विजेंद्र पूनम इंकलाब का दीवाना प्रीति सिमरन पूजा नरवाल सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार मेरी भाई सभी को नमस्कार मेरी तरफ से राम राम सभी को एक बार जल्दी से शेयर कर दो भाई सारे के सारे बच्चे कल की क्लास बहुत अच्छी थी सर मैंने तीन बार देख ली बहुत ही शानदार भाई तो अभी की क्लास भी हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप प्लीज एक बार दस सेकंड का टाइम निकालकर एक बार सेशन को शेयर कर दो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पर इस क्लास को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस सेशन का फायदा उठा पाए और इसमें हम जो ना यहां पर आपको दिख रहा होगा संपूर्ण फ्री मैथ्स बैच्स ये किसी भी बैच से कम नहीं है यह जो मैं आपको यूट्यूब पर यह जो क्लासेस दे रहा हूं किसी बैच से कम नहीं है और इसमें कंप्लीट मैथ हम पढ़ेंगे जैसा कि आप किसी बैच में पढ़ते हो है ना तो बिल्कुल कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसकी एक एक टाइप को कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है सेशन से आपको फायदा मिलने वाला सभी को नमस्कार है राम राम है तो पढ़ना स्टार्ट कर दे भाई जल्दी से कमेंट करके बताऊं पेपर नौ जुलाई का आ गया हो जाएगा सिलेबस बिल्कुल करवा दूंगा मेरे भाई अभी देखेगा मेरे चैनल पे मैंने पहले भी जो पिछला जो सीटी का पेपर हुआ था उससे पहले भी कुछ टॉपिक कराए थे तो मैं एक काम करता हूं जो टॉपिक हो रखे हैं उनके अलावा जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट वीक से क्या करता हूं मैं एडवांस मैथ की भी क्लासेज लूंगा बहुत टेंशन हो रही है टेंशन होना लाजमी है टेंशन भी उसी को होती है जो सच में किसी चीज की फिक्र करता है आपको एग्जाम की फिक्र है तो आपको टेंशन हो रही है जिसको एग्जाम की फिक्र ही नहीं है जिसको कोई लेना देना ही नहीं है उसको टेंशन किस चीज की तो यह एक पॉजिटिव साइन है कि आपको टेंशन हो रही है बस आपको इससे उभरना है अपनी तैयारी पर फोकस करना अपने आप पर विश्वास रखना है सब कुछ सही होगा सब कुछ सही होगा ठीक है पढ़ना स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से को करवाओ सर नीरज कुमार नेक्स्ट वीक से मैं दो क्लासेज लिया करूंगा एक एडवांस मैथ की और एक रीजनिंग की मेरे भाई ठीक है ना तो नेक्स्ट वीक से आपकी दो क्लास हुआ करेंगी तो मेरी जिम्मेवारी है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना पेपर से पहले वो मैं हंड्रेड परसेंट कराऊंगा तो किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है वो मेरी जिम्मेवारी आप लोगों से ज्यादा फिक्र मुझे हो रखी हुआ है ठीक है तो देखेगा एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एक एक टाइप जो है इसकी आज हम कवर करने वाले हैं तो देखेगा जैसा कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको उसका बेसिक बताता हूं उसके कंसेप्ट बताता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट के भी कंसेप्ट जानेंगे और कंसेप्टों से हम देखेंगे गुड मॉर्निंग सभी को सभी को नमस्कार है उर्मिला पूजा कोमल पुनिया यशमी यशु सभी को नमस्कार रितु यादव नमस्ते अब देखिएगा बड़े ध्यान से सुनना ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये होता क्या है साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं देखेगा जब आप किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हो तो ध्यान से सुनना किसी भी व्यक्ति से आप कोई पैसा उधार लेते हो मान लिया पांच सौ रुपया आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया तो इसको तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि दोस्तों मूलधन बड़े ध्यान से सुनना अब कोई भी व्यक्ति आपको पैसा उधार देता है तो आज के जमाने में फ्री में तो नहीं देता है वो ये कहेगा यार तू पैसा तो उधार ले जा पर तेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अब वो एक्स्ट्रा चार्ज की कंडीशन अलग अलग हो सकती है कोई कम लेगा कोई ज्यादा लेगा वो डिपेंड करता है रेट पर तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है यही क्या होता है मेरे भाई ब्याज होता है ब्याज भी दो प्रकार से लिया जाता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं देखेगा आपने पांच रुपए उधार लिए लेकिन वो जो ब्याज लेना चाहता आपसे वो किस हिसाब से लेना चाहता मान लिया पांच प्रतिशत वार्षिक रेट से लेना चाहता है अब ये जो रेट है ना मेरे दोस्त ये रेट जो है जिसको दर बोलते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको मैं अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चनों को आप बहुत कम टाइम में कर दोगे और मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा साधारण ब्याज आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नहीं पढ़ा होगा बहुत आसान बना दूंगा साधारण ब्याज को बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे बस पूरी क्लास देखना आपको बीच में जाना नहीं है ठीक है ना आज ये कंप्लीट हो जाएगा अब ध्यान से देखना पांच सौ रुपए उधार लिया तो ये प्रिंसिपल हो गया पांच परसेंट वार्षिक दर है अब देखेगा मान लिया टाइम जो है ना चार वर्ष का दोस्त टाइम कितना चार वर्ष का है अब यहां से मेरी बातों को ध्यान से समझना यह जो रेट होती है जैसे पांच प्रतिशत वार्षिक ये किस चीज को बताती है यह बताती है जैसे वार्षिक लिखा हुआ है तो एक वर्ष में कितना ब्याज दोगे पांच प्रतिशत ब्याज दोगे और ब्याज देना कितने साल तक है चार वर्ष तक एक साल में पांच प्रतिशत तो चार साल में कितना हो जाएगा बीस प्रतिशत यानी कि जो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई वो बराबर होता है किसके रेट इंटू टाइम परसेंट के साधारण ब्याज किसके बराबर होता है रेट इंटू टाइम परसेंट के बराबर होता है रेट बताती है कि एक साल में कितने परसेंट ब्याज देना है और टाइम बताता है मेरे भाई कितने साल तक देना तो आप कहोगे जी टोटल हो गया बीस ब्याज तो इस बात को याद रखना जो ब्याज होता है वो रेट इंटू टेन परसेंट होता है तो इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा बीस परसेंट और ये 20 किसका हम बोलते हैं मेरे भाई मिस्र धन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूंगा सारी टाइप कवर करूंगा और सीजियल मेन्स तक के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं तो मिस्र धन क्या होता है मेरे भाई प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट जितना पैसा आपने उधार लिया प्लस में जितना ब्याज बन गया वो सारा मिलाकर क्या बन जाता है मिसर्धन बन जाता है तो कभी भी इस तरह की बात आ जाए कि आपको कितना पैसा वापिस करना पड़ेगा तो वापिस करना पड़ता है हमें दोस्तों यानी कि अमाउंट जो पैसा उधार लिया वो तो देना ही पड़ेगा साथ में जो ब्याज बन गया वो भी वापिस करना पड़ेगा तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है मेरे भाई मिसर्धन ये तो बिल्कुल बेसिक बातें जो है मैंने आपको बताई अब क्वेश्चनों को करना कैसे है कम टाइम में अब इस बात की तरफ चलते हैं मैं आपको क्वेश्चन का एक बेसिक मेथड बताऊंगा उसके बाद मैं आपको छह क्वेश्चन दूंगा आप चुटकियों में छह क्वेश्चनों को उड़ा दोगे बड़े ध्यान से सुनना ठीक है ठीक है साइलेंट मेरे भाई करा दूंगा मैं अब बड़े ध्यान से सुनना हमेशा मेरी एक बात याद रखना जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा सो परसेंट मानकर चलना है प्रिंसिपल क्या मानकर चलना सो परसेंट तो मुझे बताइएगा मैंने अभी अभी बताया जो ब्याज होता है इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट किसके बराबर होता है भाई रेट इंटू टेन परसेंट होता है ब्याज किसके बराबर होता है मेरे भाई रेट इंटू टाइम परसेंट के बराबर होता है यानी कि एक साल में ब्याज इतना तो टी वर्ष में इतना ब्याज हो जाएगा टोटल और अमाउंट किसके बराबर होता है ये मैं पता है जी सो यानी कि प्रिंसिपल प्लस में ये जो ब्याज बन गया इसके बराबर होता है अमाउंट ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चली अब देखेगा क्वेश्चनों को कितना भी घुमा दे हम आसानी से कर पाएंगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा और मैं आपका थोड़ा सा बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चनों को लपेट पाओ बहुत ही कम टाइम में जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन दिया मेरे भाई एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है ना मेरे भाई एक व्यक्ति सिक्स की रेट से सिक्स वार्षिक रेट से चार साल में चार वर्ष में मेरे भाई सिक्स पॉइंट वार्षिक रेट से चार वर्ष में चार वर्ष में मेरे भाई पांच हजार रुपए पर पांच हजार रुपए पर कितना देगा एक साल का ब्याज बता रही है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट एक साल का तो चार साल का कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा जी पच्चीस परसेंट ब्याज एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई पच्चीस परसेंट हो जाएगा तो बता दो मेरे भाई पांच हजार का पच्चीस परसेंट कितना बनेगा पांच हजार का पच्चीस परसेंट कितना बनेगा मेरे भाई पांच पच्चीस पंजा छह सौ पच्चीस सॉरी पच्चीस पंजा एक सौ पच्चीस माफी चाहूंगा पच्चीस पंजा कितना होगा एक सौ पच्चीस होगा और एक ये जीरो है तो बारह सौ पचास रुपए आपका क्या आ गया ब्याज आ गया विदाउट कॉपी पेन करना इन चीजों को हमने देखा सिक्स पॉइंट टू फाइव एक साल का है तो चार साल का चार सौ गुणा करूंगा पच्चीस आएगा परसेंट निकालना इनके इसका चौथा हिस्सा निकालना है इसका चौथा हिस्सा कितना होता है मेरे भाई बारह सौ पचास होता है अब ध्यान से देखेगा फटाफट मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको मजा आएगा फटाफट आप कर पाओगे देखो मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन लिखता हूं एक एक क्वेश्चन में आपको हर वैरायटी का लिखता हूं जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एक एक क्वेश्चन हर वैरायटी का लिखता हूं आप आसानी से कर पाओगे इसी मेथड से देखेगा यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए लिख रहा हूं बड़े गौर से सुनना फिर पीपीटी के क्वेश्चन लगाऊंगा उनको आप लपेट दोगे आसानी से मैंने कहा एक व्यक्ति ने जो है मेरे भाई बारह सौ पचास रुपए उधार लिए एक व्यक्ति ने बारह रुपए जो है उधार लिए रेट की बात करूं तो तीन प्रतिशत वार्षिक थी और टाइम की बात करता हूं तो मेरे भाई पांच वर्ष का टाइम था तो मुझे बताओ मेरे भाई अमाउंट कितना बनेगा अमाउंट बता दो मेरे भाई मुझे कितना बनेगा मिश्र धन कितना बनेगा क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन मेरे भाई एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने मेरे भाई चार प्रतिशत वार्षिक रेट से पैसा उधार लिया टाइम जो है पांच वर्ष का था टाइम जो है मेरे भाई वर्ष का था और यहाँ पर मैं लिखता हूं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो अंतर है मूलधन और ब्याज का घुमा तो फिरा लिखेगा क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है भाई, रेट जो ना किसी व्यक्ति ने दो परसेंट वार्षिक रेट से पैसा उधार लिया दो परसेंट वार्षिक रेट से पैसा उधार लिया और टाइम की बात करता हूं तो साढ़े सात वर्ष था टाइम की बात करता हूं तो कितना था साढ़े सात वर्ष था अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अंतर अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अंतर जो है मेरे भाई वो दे रखा चौतीस सौ रुपए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अंतर दे रखा रुपए तो आप मुझे बताइएगा इसमें इंटरेस्ट कितने परसेंट है तो ये हर वैरायटी के क्वेश्चन में घुमा फिरा के लिख रहा हूं फटाफट आंसर बताना है मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में लपेट दोगे पर एक बार सारे के सारे बच्चे जो है सेशन को शेयर जरूर कर दो मेरे भाई सेशन को शेयर जरूर करते रहना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस सेशन में जोड़ लिया करो शेयर कर दो भाई एक बार सेशन को बहुत ही कम बच्चे लाइव चल रहे हो ठीक है ना तो थो थोड़ा सा कंटेंट की भी कदर किया करो अगर आपके लिए कोई कर रहा है सब कुछ तो फिर आप थोड़ी सी कदर करनी चाहिए आप लोग साथ दिया करो शेयर किया करो मेरे भाई बहुत सारे बच्चे जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं भाई तो आप बाकी बच्चे भी शेयर किया करो इस बहुत सारे तरीके, आप रट ले तो, तो पांच साल में कितना हो जाएगा आपको पंद्रह परसेंट ब्याज हो जाएगा ब्याज कितना हो जाएगा पंद्रह परसेंट मुझे बताइएगा मेरे भाई ब्याज हो जाएगा पंद्रह परसेंट और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है मेरे भाई सो परसेंट होता जी प्रिंसिपल तो सो परसेंट आपने पैसा उधार लिया परसेंट ब्याज बन गया तो वापिस कितना से जीरो कट गया पांच दौनी दस हो जाएगा पांच से काटोगे पच्चीस हो जाएगा मेरे भाई पच्चीस से गुणा कर दो पच्चीस से गुणा करोगे पच्चीस करी बारह पच्चीस और बारह सैंतीस करी तीन पच्चीस पच्चीस और तीन अट्ठाईस बटे में दो दो से इसको काटोगे दो एक सौ सैतीस पॉइंट चौदह धन पूछा था अमाउंट पूछा था अब यहां पर प्रिंसिपल आपसे पूछा मेरे भाई देखेगा हमें पता ब्याज कितना होता है रेट इंटू टाइम परसेंट तो पांच चौका बीस परसेंट तो हो जाएगा मेरे दोस्तों ब्याज प्रिंसिपल हमेशा कितना मानकर चलते हैं सो परसेंट मानकर चलते हैं तो दोनों का अंतर अगर मैं देखू प्रिंसिपल का और ब्याज का अंतर दे रखा ना तो प्रिंसिपल और ब्याज का अंतर मेरा बन गया मेरे भाई 80 परसेंट और इस 80 परसेंट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 240 दे रखी है तो मुझसे प्रिंसिपल पूछा है तो मैं 100 परसेंट की वैल्यू निकाल दूंगा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल जीरो से जीरो आठ या चौबीस और तीन की सो के साथ गुणा करोगे तीन रुपया जो, जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा तीन सौ रुपया जो मेरे भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा बात को समझ पाए अब यहां पर फोकस करिएगा यहां पर भी हमसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अंतर दे रखा चौतीस सो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना बनेगा ब्याज आप कहोगे दो परसेंट की रेट से साढ़े सात साल में कितना ब्याज बनेगा पंद्रह परसेंट बनेगा जी और प्रिंसिपल हमेशा कितना मानकर चलते हैं सो परसेंट मानकर चलते हैं गुरु जी तो सो का और पंद्रह का जो डिफरेंस होता, वो होता तो आप, जो है वो होता है पिचासी परसेंट तो आप कहोगे जी जो डिफरेंस है वो हमारे हिसाब से पिछासी परसेंट है और उसने अंतर कितना दे रखा चौतीस सो तो पिचासी परसेंट की वैल्यू चौंतीस सो है हमें अब की बार इंटरेस्ट बताना है इंटरेस्ट कितना बन गया था मेरे भाई पंद्रह परसेंट बन गया था तो पंद्रह परसेंट की वैल्यू बता दो अब ध्यान से देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल गया अब देखेगा यहां पर सत्रह पंजे पिचासी होता है और सत्रह दूनी चौंतीस और ये दो जीरो अब पांच छे इसको काटोगे पांच तीय पंद्रह और दो सौ तिया कितना होता है मेरे भाई छह सौ रुपया आपका यहां से आंसर आ गया छे सौ रुपया जो है मेरे भाई आपका यहां से आंसर आ गया किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइएगा राजेश कुमार नमस्ते मेरे भाई राम राम तो बिल्कुल अभी मैं आपके लिए बेस तैयार कर रहा हूं अभी मैं अपनी रिधम पे आया भी नहीं हूं मैं बिल्कुल आपके लिए बेस तैयार कर रहा हूं मेरे भाई ताकि आपके कंसेप्ट हो जाए क्लियर और फिर क्वेश्चनों को आप खुद देखना बहुत कम टाइम में लपेट पाओगे तो एक बार बेस आपका तैयार कर रहा हूं मैं अब मैं दो क्वेश्चन और देता हूं फिर मैं समझ जाऊंगा अगर इनका भी जवाब दे दिया तो आपका बेस क्लियर है फिर हम पीपीटी के क्वेश्चनों पर आते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर यहां पर पांच लिखेगा क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता बड़े गौर से सुनना बड़े गौर से सुनना एक व्यक्ति ने मेरे भाई सात परसेंट की रेट से कुछ पैसा उधार लिया सात परसेंट वार्षिक रेट से टाइम की बात करूं तो मेरे भाई दो वर्ष का टाइम था टाइम की बात करता हूं तो दो वर्ष का टाइम था और उसने क्या किया मेरे भाई उसने क्या किया उसने मेरे भाई दो हजार दो सौ अस्सी रुपए वापिस करके अपना हिसाब चुकता कर दिया दो हजार दो सौ अस्सी रुपए वापिस करके अपना हिसाब चुकता कर दिया तो बताओ उसका प्रिंसिपल क्या था उसने पैसा उधार कितना लिया था क्वेश्चन नंबर छह देखेगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने मेरे भाई एक व्यक्ति ने जो है एक व्यक्ति ने जो है मेरे भाई 2.5 परसेंट रेट से 2.5 परसेंट वार्षिक रेट से 2.5 परसेंट वार्षिक रेट से चार वर्ष के लिए चार वर्ष के लिए कोई पैसा उधार लिया चार वर्ष के लिए कोई पैसा उधार लिया अगर उसका ब्याज जो है अगर उसका ब्याज जो मेरे भाई दो सौ है अगर उसका ब्याज जो दो सौ है तो बताइएगा उसका प्रिंसिपल कितना था उसने पैसा उधार कितना लिया था यह बेसिक क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के पेपर में आ सकते हैं पर मेरा मोटिव है एक बार बैले से आपका बेस तैयार किया जाए फिर अपने लेवल पर आ जाए अब ध्यान से सुनना मेरे भाई हमें पता जी ब्याज ब्याज होता है है किसके बराबर रेट रेट टाइम परसेंट क्योंकि रेट बताती है, एक वर्ष में ब्याज इतना लगेगा तो दो वर्ष में कितना सात दो चौदह परसेंट जो आपका ब्याज लगेगा चौदह परसेंट लगेगा दोस्तों ब्याज अब एक बात मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना मानकर चलते हैं हम सो परसेंट मानकर चलते हैं गुरुजी जी सो परसेंट आपने उधार लिया पंद्रह परसेंट जो इस पर चौदह परसेंट जो इस पर ब्याज लग गया तो वापिस कितना करना पड़ेगा एक मेरे भाई परसेंट वापिस करना पड़ेगा यह कह रहा है, तो है। सौ के साथ गुणा करोगे तो आपका 2000 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा 2000 जो है करेक्ट आंसर आ गया अब यहां से बात को समझो हमें पता है बराबर होता है इस बात को पकड़ लेना रेट इंटू टाइम परसेंट होता है दो पॉइंट पांच परसेंट एक साल का ब्याज है तो चार साल का ब्याज कितना हो जाएगा ढाई का चार गुना होता है तो कहाज हो 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 कितना दो सौ पचास तो दस परसेंट की वैल्यू दो सौ पचास है मुझे प्रिंसिपल बताना तो सो परसेंट की वैल्यू बतानी है तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल ढाई सौ की दस के साथ गुणा करोगे तो दो हजार पांच सौ रुपए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा उम्मीद करता हूं अब आपका बेसिक लेवल तो जो है तैयार हो गया आपका बेस जो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया मेरे भाई अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ अब मैं आपको पीपीटी के क्वेश्चन दिखाता हूं और हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर करेंगे तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना मेरे भाई आज ये डेढ़ घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम डेढ़ घंटे में आप खुद देखना सिंपल इंटरेस्ट की सारी टाइप खत्म करवा दूंगा डेढ़ घंटे में मात्र सारी टाइप खत्म करा दूंगा और मजा आएगा और एक एक क्वेश्चन ही कम से कम दो से तीन क्वेश्चन होंगे हर एक टाइप के लेकिन क्वेश्चनों का तरीका इतना शोट बताऊंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे डेढ़ घंटे में तो लास्ट तक देखना एक सिंपल इंटरेस्ट का डर तो जो आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई ठीक है ना तो बिल्कुल लगे रहना हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी नहीं। अब देखेगा पहला क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन जो है 2020 सीएचएसएल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मैं जितने भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए वो सारे के सारे आपको कवर कराऊंगा देखो इंग्लिश में पढ़ना मेरे भाई हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है शायद यहां पर आठ आएगा यहां पर आठ आएगा बस ये फर्क है यहां पर क्या आएगा मेरे भाई आपसे आप पूछा कि आठ साल के बाद कितना हो जाएगा मतलब कि आपसे मिस्र धन पूछा है जब भी कभी इस तरह की बात करें कि पैसा कितना हो जाएगा तो वो होता है ब्याज लगने के बाद और ब्याज लगने के बाद पैसा क्या बन जाता मिस्र धन बन जाता अमाउंट बन जाता है डीएस हाँ, मेथड भी यूज करूंगा मैं जहां पर मुझे कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी मैं वहां पर डीएस यूज करूंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने देखा यार रेट जो आठ परसेंट के टाइम आठ वर्ष है अठू अठू चौंसठ परसेंट तो ब्याज बन जाएगा हमें पता जी प्रिंसिपल कितना होता है सो परसेंट के बराबर होता है ब्याज कितना बन गया इसका आठ गुना में आठ परसेंट यानी कि आप कहोगे जी चौसठ परसेंट ब्याज बन गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा मूलधन प्लस में ब्याज यानी कि एक हो जाएगा आपका अमाउंट समझ पाए यह हमारा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल था आठ हजार रुपए और इसका मुझे बताना कितना मेरे भाई एक सौ चौसठ परसेंट बताना है इसका कितना बताना एक सौ चौसठ परसेंट बताना है क्या मेरी बातों को समझ पाए आपको जी समझ पाए दो जीरो से दो जीरो कट गई आठ चौका बत्तीस लास्ट में क्या आएगा दो आएगा आठ चौका बत्तीस लास्ट में क्या आएगा दो आएगा देखो एक जीरो भी है पीछे एक जीरो भी है मेरे भाई पीछे एक ये जीरो लगाओगे और जीरो से पहले क्या आएगा दो आएगा जीरो से पहले क्या आएगा दो आएगा तो देखेगा मैं तीन कंसेप्टों का बहुत यूज करूंगा कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए डीएस भी लग सकता है बिल्कुल सारी चीजें लगाऊंगा देखो मेरी बात सुनो मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बड़े गौर से सुनना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं यहां पर तीन कंसेप्ट यूज करूंगा पहला कंसेप्ट कौन सा होगा मेरे भाई पहला कंसेप्ट होगा यूनिट डिजिट का यूज करूंगा मेरी नजर हमेशा ऑप्शनों की तरफ रहती है आपकी भी रहनी चाहिए ऑप्शनों की तरफ देखो अगर इकाई का अंक अलग अलग दिख रहा है तो मेरे भाई इकाई के अंक से क्वेश्चन को सोल्व कर दो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है दूसरा कंसेप्ट जो मैं यूज करूंगा मेरे भाई वो होता है डिजिटल सम जिसकी मैंने कल क्लास ली थी अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी प्लीज कल वाली क्लास को जरूर देखना मेरे भाई और तीसरा कंसेप्ट जो मैं यूज करता हूं वो करता हूं मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल तीसरा कंसेप्ट जो मैं यूज करता हूं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का यूज करता हूं मान लिया किसी क्वेश्चन में किसी कैलकुलेशन में नो गुणा हो रखा है तो हंड्रेड परसेंट जो आंसर होगा वो नो से भाग होता मिलेगा किसी कैलकुलेशन में सात गुणा हो रखा है तो हंड्रेड परसेंट जो आंसर होगा वो सात का मल्टीपल मिलेगा तो इस तरीके से आप इन तीन रूलों का यूज करके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में देखा यार इकाई के अंग ना सबके अलग अलग है तो क्यों ना मैं इकाई के अंक से करूं सबसे शॉर्ट मेथड है मैंने देखा एक जीरो तो आएगी आएगी अब यहां पर देखो आठ चौका बत्तीस यानी कि जीरो से पहले आएगा दो तो मैंने देखा यहां पर करेक्ट आंसर तेरह और ये आदत आपके अंदर भी लेकर आऊंगा मैं

अच्छा मुझे बताना राशि राशि कैसे करते हैं पैंतालीस नौ अठे बेहतर और ये दो जीरो पीछे आ गई समझ रहे हो पांच काटोगे तो बीस आएगा अब ध्यान से देखो आठ दूनी सोलह आठ दूनी सोलह तो शुरू में आएगा मेरे भाई सोलह तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूरी कैलकुलेशन कभी मत करो पीछे तो जीरो हमें, हमें कोई मतलब ही नहीं है मैंने देखा आठ दो सोलह तो सोलह देखते हैं, मैं इसको टिक करूंगा मेरे भाई ये जो आप हर क्वेश्चन में पांच पांच छह छह सेकंड का टाइम बचाओगे यही जो काम है आपको दूसरे बच्चों से अलग करेगा मेरे भाई दूसरे बाकी बच्चों से आगे ले जाएगा और कंपटीशन है दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे तभी बात बनती मेरे भाई मजा आएगा मजा आएगा, मजा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट सीख कर बहुत आसान बनाने वाला हूं मूलधन और पांच वर्षों के साधारण ब्याज में दस सात का अनुपात है प्रिंसिपल और मेरे भाई इंटरेस्ट

तो देखेगा यहां पर ब्याज की जगह में क्या रख सकता हूं ब्याज है जी सात रुपया प्रिंसिपल कितना है जी दस रुपया रेट हमें बतानी है टाइम दे रखा मेरे भाई पांच वर्ष तो बटे में क्या करोगे सो करोगे तो यहां पर देखेगा जीरो से जीरो कट गया पांच से काटोगे पांच दो नहीं दस ये दो जाएगा उधर तो चौदह रेट कितनी आ जाएगी मेरे भाई चौदह जो है रेट आ जाएगी रेट कितनी आ जाएगी चौदह परसेंट जो मेरे क्वेश्चन की रेट आ जाएगी कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ ये सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी लेकिन हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई। ये एमटीएस के पेपर में आया सिंपल क्वेश्चन भी मैंने वो उठाए हैं जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। किसी राशि का एक बटा पच्चीस है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है यानी कि जितने टाइम है उतना ही मेरे भाई क्या रेट निवेश के वर्षों की संख्या यानी कि जितना टाइम है वो बराबर किसके प्रतिशत दर के बराबर है यानी कि रेट बराबर दे रखा इस क्वेश्चन में टाइम के मेरे भाई तो धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया धनराशि का निवेश जो कितने वर्षों के लिए किया गया तो पहले मैं बेसिक से बताता हूं फिर इसका शोट ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई ठीक है अब बड़े गौर से सुनना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है जी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में सो भाई रुके रहना मजा आएगा इतना बढ़िया शोट ट्रिक बताऊंगा इसका पहले बेसिक तो करो ब्याज कितना दे रखा है ब्याज दे रखा उस राशि का एक बट्टा पच्चीस मैंने वो राशि मान ली मेरे भाई पी तो पी का एक बट्टा पच्चीस दे रखा मेरे भाई क्या ब्याज रख लिया वो राशि क्या थी मेरे भाई पी थी रेट हमें नहीं पता और टाइम भी हमें नहीं पता लेकिन रेट और टाइम बराबर ये हमें पता है तो मैं टाइम को रेट को भी क्या मान सकता हूं मैं रेट को भी क्या मान सकता हूं टाइम और टाइम तो टाइम है ही क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे थे रेट और टाइम तो मैंने रेट को भी क्या मान लिया टाइम मान लिया बटे में क्या करोगे सो करोगे पच्चीस चौका सो पी से पी कैंसिल चार जो उधर जाएगा चार एक टी, 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 के के तो टी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे भाई दो आ जाएगी यानी कि दो वर्ष का टाइम था कितना टाइम दे रखा था मेरे भाई दो वर्ष का टाइम दे रखा था किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, है तो कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताए किसी भी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मेरे भाई ठीक है ना अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं ताकि इतना काम आपको ना करना पड़े कभी भी मेरे दोस्तों रेट और टाइम इक्वल दे रखा हो इफ यहां पर लगाइएगा इफ रेट एंड टाइम इक्वल है तो एक फार्मूला याद रखो एक छोटी सी बात याद रखना मेरी बात यहां पर इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट करके गुणा में क्या कर देना बस दस कर देना है। क्या मेरी बात को समझ पाई मैंने क्या कहा मेरे भाई इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट करके गुणा में क्या कर देना बाहर दस कर देना बस अब ध्यान से देखो मेरे भाई इसने कहा था ब्याज जो है उस राशि का उस राशि का और इस बात को समझेगा जिसके साथ कंपैरिजन होता वो वैल्यू हमेशा नीचे होती है यानी कि वो राशि क्या है वो राशि 25 है और साधारण ब्याज की बात कर रहा था तो ब्याज कितना मेरे भाई एक रुपया है समझो इस चीज को ब्याज जो है प्रिंसिपल का एक बटा पच्चीस है इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल अगर पच्चीस है तो ब्याज कितना होगा एक होगा तो यही तो मुझे चाहिए था ब्याज कितना एक प्रिंसिपल कितना पच्चीस इसका स्क्वायर रूट करके बस दस गुणा कर दो बाहर आप देखोगे एक बटा पच्चीस का स्क्वायर रूट कितना आएगा एक बटा पांच और भाई गुणा में क्या था दस तो यहां से आप जी दस, दो आ गया अब देखो रेट और टाइम तो बराबर था रेट पूछे या टाइम पूछे दोनों कितने आ जाएंगे दो आ जाएंगे मेरे भाई दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी दो आ जाएगी टाइम पूछा होगा तो दो वर्ष और रेट पूछी होगी तो दो प्रतिशत वार्षिक क्या मेरी बात को समझ पाए अब मैं आपको इसके और क्वेश्चन कराता हूं फटाफट आपका आंसर आना चाहिए बस इसको ध्यान से देख लो रेट और टाइम इक्वल दे रखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल और बाहर गुणा में कर देना दस अब देखो मैं आपको तीन क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन जो बिल्कुल दूर हो जाएगा मजा आ जाएगा इसने कहा जो ब्याज है मेरे भाई एक क्वेश्चन दिया आपको ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का दे रखा है मेरे भाई पच्चीस बटे में चौसठ पच्चीस बटे में चौसठ दे रखा प्रिंसिपल का तो रेट और टाइम जो है इक्वल दे रखे तो मुझे बताएगा टाइम कितने वर्ष है अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेगा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल का एक बटे सोलह दे रखा है और रेट बराबर है टाइम के तो मुझे बताइएगा टाइम इसमें रेट कितनी है इसमें मुझे बताओ रेट कितनी है अगला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं मैंने कहा जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई वो प्रिंसिपल का कितना दे रखा है नो बटा पच्चीस प्रिंसिपल का नो बटा पच्चीस गुण दे रखा है और रेट बराबर है टाइम के तो मुझे बताएगा यहां से रेट कितनी आएगी कि तीन क्वेश्चनों को कर दो फटाफट लपेट दो, दो, -दो सेकंड के अंदर मात्र दो दो सेकंड के अंदर लपेट दो प्रैक्टिस में आपकी खुद ही करा रहा हूं मेरे भाई प्रैक्टिस भी मैं आपकी क्लास में करा रहा हूं मजा आना चाहिए और दो के पार एक बार आंकड़ा पहुंचा दो एक बार सारे के सारे बच्चे जो है दो के पार आंकड़ा पहुंचा दो मजा आ जाएगा भाई ठीक है ना दो के पार आंकड़ा पहुंचा दो अपना यह चैनल एक परिवार की तरह है इसको बढ़ाना है मेरे भाई ठीक है ना तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें फ्री शिक्षा देनी है

यहां पर हमेशा एक बात याद रखना प्रिंसिपल गुणा में है अगर मैं इधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा आपको बिल्कुल सर तो मुझे बताएगा इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल कितना आ गया इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल पच्चीस बटा चौसठ पच्चीस रूट करोगे तो पांच बटे आठ गुणा में क्या दस है तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा दो चौके आठ दो पंजे दस पच्चीस बटा चार पच्चीस बटा चार होता सिक्स पॉइंट टू फाइव वर्ष सिक्स पॉइंट टू फाइव वर्ष आ गया मेरे भाई आपको बिल्कुल सर यहां से देखेगा रेट निकालने क्या करना कुछ नहीं स्क्वायर रूट ऑफ इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना आ गया, एक बटा सोलह तो एक बटा सोलह और गुणा में क्या करना दस एक बटा सोलह किसके बराबर होता है एक बटा चार के क्योंकि मेरे भाई स्क्वायर रूट करूंगा तो एक बटा चार आ जाएगा गुणा में दस है दो पे काटोगे दो यहां पर पांच पांच बटा दो होता ढाई वर्ष ढाई परसेंट ये रेट दे रखी तो ढाई परसेंट वार्षिक आ जाएगी ठीक है अब यहां पर देखेगा प्रिंसिपल को उधर ले जाओ तो सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल आएगा नौ बटा पच्चीस तो इसका स्क्वायर रूट करोगे स्क्वायर रूट करोगे नौ बटा पच्चीस का और गुणा में क्या कर देना दस कर देना है तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो तीन बटा पांच आएगा बाहर और गुणा में कितना है दस पांच छह इसको काटोगे दो पर और तीन दुणी छह मेरे भाई सिक्स परसेंट वार्षिक जो है रेट आ जाएगी तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं मात्र पांच पांच चार चार सेकंड में आप सोल्व कर जाओगे मात्र चार चार पांच पांच सेकंड में आप सोल्व कर जाओगे उम्मीद कर सकता हूं मेरे भाई कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा देखो मैं कभी भी सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता ना ही कभी भी सिर्फ बेसिक बताता दोनों बातें बताता हूं मैंने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताया फार्मूले से उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बताया और फिर मैंने चार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी एक वो और तीन क्वेश्चन मेरे भाई ये बात को समझ पा रहे हो चार क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करा दिए अब मैं समझ सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी इन क्वेश्चनों को भूलोगे नहीं ये एस एस सी सीजल दो हजार बाईस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ए

लेकिन इसने वो पैसा उधार लेकर किसी दूसरे बंदे को उधार दे दिया दिया किस हिसाब से सात परसेंट की रेट से सात परसेंट की रेट से चार वर्ष के लिए पैसा उधार दे दिया अभी देखो यहां से उसने उधार लिया उधार लिया है तो इसको यहां पर ब्याज देना पड़ेगा कितना पांच चौका बीस परसेंट ब्याज देना पड़ेगा समझ पा रहे हो मेरे भाई और यहां पर उसने उधार किसी को दे दिया तो यहां से उसको ब्याज मिलेगा सात चौके अट्ठाइस अट्ठाइस ब्याज इसको मिलेगा मेरे भाई तो देखो 20 परसेंट ब्याज इसको देना पड़ रहा है 28 परसेंट ब्याज ये ले रहा है तो कितने परसेंट कमा रहा है मेरे भाई आठ परसेंट ब्याज जो ना कमाई कर रहा है व्यक्ति तो 8 परसेंट की मेरे भाई क्या कर रहा है कमाई कर रहा है बात को समझ पाए कितने रुपए पर नब्बे हजार रुपए पर आठ परसेंट की कमाई कर रहा है इसने ही पूछा उसको होने वाला लाभ बताओ तो आप कहिए नब्बे हजार का आठ परसेंट देखो मैं आपको बताता हूं नब्बे हजार का आठ परसेंट आपको बताना है मैंने देखा आठ बेहतर तो बेहतर का रोल है मेरे भाई आठ में बेहतर तो का रोल मुझे इसमें दिखाई दिया मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा ये छोटी छोटी चीजें सीखोगे तभी दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे ठीक है ना ये छोटी छोटी चीजें सीख लो कैलकुलेशन की मैंने देखा नो अठे बेहतर यानी कि बेहतर आएगा मेरे भाई बेहतर यहां पर मेरे भाई बस निपटा दो क्वेश्चन को क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो ये एक एक इतनी बातें बताऊंगा ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो मैं ये बहुत हेल्प करेंगे मेरे भाई आपकी आदत के अंदर आ जाएंगी भले ही सीजीएल का क्वेश्चन में कर सकते अब मैंने पूरा समझाया आपको पेपर में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो आप मात्र तीन से चार सेकंड लोगे पता कैसे आपने देखा गुरुजी जी चार के हिसाब से बीस परसेंट ब्याज उसको देना पड़ेगा और अट्ठाईस परसेंट ब्याज वो ले रहा है तो आठ परसेंट की कमाई कर रहा है और नो हजार का आठ परसेंट नो अठे बेहतर बेहतर का रोल आएगा ये मैंने टिक किया बस इतना करोगे कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है समझ पा रहे हो ना मेरी बात को देखो पांच चौक का बीस बीस परसेंट ब्याज देना पड़ेगा सात चौक अट्ठाईस परसेंट वो लेगा तो आठ परसेंट कमा नब्बे का रोल है, तो इसमें है। मैंने टिक किया, आगे बढ़ गया। अब ध्यान से देखो ये सी एच एस एल का क्वेश्चन है नो पॉइंट पांच परसेंट की वार्षिक ब्याज दर पर चार वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज बारह पॉइंट पांच परसेंट की वार्षिक ब्याज दर पर तीन वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से दो सौ अधिक है देखो राशि तो इक्वल है राशि तो इक्वल है मेरे भाई तो ब्याज क्या होता है ब्याज होता है रेट टाइम परसेंट देखो मेरे भाई यहां पर चार वर्ष के लिए 9.5 परसेंट की रेट से तो यहां से ब्याज कितना बनेगा मुझे बताओ आप कहोगे जी 9.5 परसेंट की रेट से चार वर्ष में ब्याज कितना बनेगा नो चौका छत्तीस और पॉइंट पांच चार होता है दो तो अड़तीस ब्याज ये बन गया बात को समझ पाए अभी यहां पर ब्याज कितना बनेगा यह कहता साढ़े बारह परसेंट के हिसाब से तीन साल का साढ़े बारह परसेंट के हिसाब से तीन साल में बनता साढ़े बारह गुना तीन होता साढ़े सैंतीस तो यहां पर साढ़े बारह गुना तीन होता है मेरे भाई साढ़े बारह गुना तीन होता साढ़े सैंतीस तो मेरे भाई इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर है आपको जी प्वाइंट फाइव परसेंट का अंतर है कितने परसेंट का अंतर है मेरे भाई पॉइंट फाइव परसेंट का अंतर है और वो कह रहा है दो सौ पच्चीस रुपए अधिक है ना पहले वाला ब्याज ब्याज ये पहले वाला ब्याज इससे कितना अधिक है आप कहोगे जीरो पॉइंट पांच परसेंट वो कह रहा है कितना अधिक है दो सौ पच्चीस तो इसका मतलब पॉइंट फाइव परसेंट की वैल्यू दो सौ पच्चीस है और हमसे पूछा क्या तो उधार ली गई राशि उधार ली गई राशि होती है मेरे भाई हमेशा सो सो परसेंट सो परसेंट की वैल्यू बतानी थी तो कर दो मेरे भाई काटा पीटी देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर क्या आ जाएगा गुणा में दस आ जाएगा समझते हो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल तो पांच से काटोगे दो सौ पच्चीस को पांच चौका बीस दो बच गया पंजो पंजो पच्चीस अब देखेगा पैंतालीस है यहां पर और यहां पर दो जीरो ये एक जीरो ये तीन जीरो पीछे आ जाएंगे तो पैंतालीस हजार रुपये आपका प्रिंसिपल आया पैंतालीस हजार रुपये मेरे भाई आपका क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया क्या यहां तक मेरी बातों को समझ पाए आपको जी इतनी बातें समझ गई कोई डाउट नहीं है अब देखेगा मैं दूसरा तरीका क्या बताता हूं जैसे ही आपने देखा देखो वैसे कोई जरूरत नहीं है पांच के बाद इतना सोल्व करना पड़ेगा पैंतालीस देखते ही आपने आंसर कर दिया क्योंकि आगे तो जीरो है पैंतालीस देखते ही आप इसको टिक कर दोगे और देखेगा अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते राो देखो ऐसे 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 घुमाते राो ऑप्शनों की तरफ जिस दिन ये चीजें समझ दिमाग आपका फास्ट चलना चाहिए और आंखों की पुतली ऐसे घूमनी चाहिए ऑप्शनों की तरफ तब दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे सर डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा दो पढ़ा दूंगा सुमित मेरे भाई ठीक है डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा दूंगा टेंशन मत लो कोई डाउट है हा तो यहां पर आप नो का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते थे क्योंकि पैंतालीस में नो है और एक ही संख्या ऐसी है जो नो से डिवाइड हो रही है तो इसको टिक करते आगे बढ़ जाते फटाफट देखेगा सारे की, सारी किसी धनराशि पर साढ़े सात परसेंट वार्षिक दर से छह वर्ष का जो मिस्र धन है वो मिस्र धन कितना मेरे भाई ग्यारह हजार छह सौ रुपया है उसी धनराशि पर दस परसेंट वार्षिक दर से छह वर्षों में मिस्र धन क्या होगा देखो उसी राशि पर राशि सेम है तो ब्याज किसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्याज डिपेंड करेगा रेट पे और टाइम पर अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं देखो यहां पर आपको पता है जी, ब्याज होता है किसके है आपको ब्याज होता है जी जी ब्याज 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 होता 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 किसके बराबर बराबर आपको कि प्रिंसिपल रेट परसेंट टाइम के मेरे भाई तो यानी जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल पर भी डिपेंड करता है ब्याज रेट पर भी डिपेंड करता है और ब्याज मेरे भाई टाइम पर भी डिपेंड करता है समझ पा रहे हो अब यहां पर प्रिंसिपल तो सेम है यानी कि वो राशि तो सेम है तो ब्याज डिपेंड करेगा रेट पर और टाइम पर समझ पाए अब देखेगा किसी धनराशि पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक दर से छह वर्ष का जो मिस्र धन है वो इतना है तो मुझे बताओ साढ़े सात वर्ष में यहां से मैं इसको लिखता हूं साढ़े सात वर्ष होता है पंद्रह बटा दो पंद्रह बटा दो वर्ष में छह साल में ब्याज कितना बनेगा आपको पंद्रह पैंतालीस परसेंट ब्याज बनेगा अगर ब्याज पैंतालीस बनेगा तो मुझे बताओ मेरे भाई मिस्र धन कितना हो जाएगा एक आपको दी बिल्कुल इसका मतलब है एक सौ की वैल्यू कितनी दे रखी है ग्यारह दे रखी है यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ भाई साढ़े सात वर्ष में साढ़े सात को लिख सकता हूं एक पंद्रा, पंद्रा बटा दो। वर्ष में ब्याज कितना पैतालीस परसेंट अगर ब्याज पैंतालीस परसेंट पैंतालीस परसेंट क्योंकि मूलधन हमेशा सौ परसेंट होता है तो इस एक सौ पैतालीस परसेंट की वैल्यू दे रखी ग्यारह हजार छह सौ अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है वो कहता दस परसेंट की दर से छह वर्ष में मिश्र धन बताओ देखो दस परसेंट के हिसाब से छह साल में ब्याज कितना बनेगा साठ परसेंट तो मिस्टर धन कितना बनेगा एक सौ परसेंट कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ नहीं है ना अब देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन अपुन तो नहीं करेगा, अपुन क्या करेगा? और में मेरे भाई छह और एक सात आठ सात छप्पन और छप्पन का डीएस कितना होगा मेरे भाई देखो ग्यारह ग्यारह का डीएस होता है दो यानी कि मेरे को डीएस चाहिए मेरे भाई कितना दो डीएस दो चाहिए यहां पर तो देखो डीएस दो नहीं है छो आठ और एक नो दो, दो चार और एक पांच आठ और एक नौ कट गया मेरे भाई डीएस दो इसका है तो इसका मुझे करेक्ट आंसर मिल गया डी ऑप्शन मैंने देखा यहां पर डीएस कितना आ रहा है मेरे भाई दो आ रहा है और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें डीएस दो था टिक क्यों करो आगे बढ़ो अच्छा जिस बच्चे ने मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी प्लीज कल वाली क्लास जरूर देखे जिसमें मैंने आपको डीएस पढ़ा रखा है डीएस एक ऐसा रूल है मेरे भाई ये कुछ भी काटा पीटी करने की जरूरत नहीं आप विदाउट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम टाइम में दे सकते थे मैंने देखा पांच और चार नो कट गया एक रह गया नीचे डीएस और एक बच जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है छह और एक सात और एक आठ यहां से देखो छ और सात आठ सात छप्पन छप्पन का डीएस होता दो क्योंकि छह और पांच ग्यारह ग्यारह का डीएस दो तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डीएस दो था मजा आया कि नहीं आया बताओ भाई बताओ मजा आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ डीएस चूर्ण बना देता सवालों का बिल्कुल भाई डीएस जो है ना चूरन बना देगा जो कैलकुलेशन आप करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते तो वो कैलकुलेशन आपकी खत्म हो जाएगी और ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 के पेपर में आया हुआ साधारण ब्याज पर निवेश की गई आठ सौ रुपए की एक राशि मजा आएगा डेफिनेटली मजा आएगा लिख दिया तो मजा आएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन में देखना मजा आएगा लिख दिया ना तो मजा आएगा देखो आएगा। आप क्या करते हो पहले मैं आपको बताऊंगा आप क्या करते हो फिर मैं इस क्वेश्चन को मात्र दो सेकंड में करना सिखाऊंगा समझना मेरे भाई आप क्या करते हो साधारण ब्याज पर निवेश की गई आठ सौ रुपए की एक राशि आठ वर्षों में इतने रुपए बन जाती है तो इसी ब्याज दर से इस राशि पर छह वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा देखो आप क्या करते हो आपको पता है जी ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में सो आप भी यही करते हो और आपको सिखाया भी यही जाता है आपने देखा यार आठ सौ रुपए की राशि थी और बारह सो बन गई तो मतलब ब्याज तो आ गया चार सौ रुपया प्रिंसिपल कितना था भाई आठ सौ रुपया और रेट आप निकालोगे पहले टाइम कितना दे रखा था आठ वर्ष बटे में सो तो आपने देखा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल समझ पाए मेरे भाई आठ से इसको काटोगे आठ पंजा चालीस और जीरो तो रेट कितनी आ जाएगी देखो ये आठ आएगा पचास के बटे में रेट क्या आएगी मेरे भाई आठ आएगा पचास के बटे में रेट बच जाएगी दो पे काटोगे चार दो पे काटोगे पच्चीस और पच्चीस बटा चार होता है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट रेट आपकी आ गई सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट अब आपसे क्या पूछा इसी दर से इस राशि पर छह वर्ष का साधारण ब्याज बताओ देखो साधारण ब्याज आपको बताना है उसी राशि पर राशि कितनी थी 800 रेट आपकी आ गई सिक्स टू परसेंट और टाइम कितना मेरे भाई छह वर्ष का बटे में क्या आता सो दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो बटे में एक और आ जाएगा आप यहां से काटा मिट्टी मचाते हो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया मेरे भाई पच्चीस से काटोगे तो पच्चीस आएगा पच्चीस से काटोगे चार आएगा चार से इसको काटोगे चार दुनी आठ देखो मेरे भाई छह दुनी बारह

और प्रिंसिपल भी वही है तो सीधी सी बात है ब्याज पे जो फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ टाइम से पड़ रहा है यहां पर कितने टाइम दे रखा था आठ वर्ष का टाइम दे रखा था और यहां पर छह वर्ष का टाइम है बस ये चेंज हुआ है तो आप मुझे बताओ आठ सौ से पैसा बारह सो हुआ था यानी कि ब्याज लगा था चार सौ रुपए कितने वर्षों में मेरे भाई आठ वर्षों में चार सौ रुपया ब्याज लगा था तो बस आपसे पूछ रहा है छह वर्षो में ब्याज कितना लगेगा तो देखो ना मेरे भाई आठ पंजे चालीस और ये जीरो और पचास सिक्का कितना होता है मेरे भाई तीन तो आप मात्र इतनी देर में इसका आंसर निकाल सकते थे तीन रुपया कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई आप खुद समझिएगा इन चीजों को यार रेट वही इसने कहा ना इसी ब्याज दर से और उस पैसा भी वही राशि पर उसी राशि पर भाई पैसा भी वही है रेट भी वही है तो ब्याज किस पर डिपेंड करेगा टाइम पर बस टाइम में क्या चेंज हुआ है टाइम पहले आठ वर्ष था और अब छह वर्ष है बात को समझ पाए वीडियो की क्वालिटी ठीक रहे अरे क्या दिक्कत है वीडियो में वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या क्वालिटी में जल्दी से बताओ सीटी में कितने नंबर का आएगा देखेगा सीटी में मैं बता देता हूं अगर मैं सीटी ए, मेंस की बात करूं तो दस नंबर का मैथ जरूर आएगा और सीटी ग्रुप डी में पंद्रह नंबर का मैथ आएगा पंद्रह नंबर की भी रीजनिंग भी आएगी तो ये मैं आपको मैथ और रिजनिंग पूरा कराऊंगा लगभग आपका तीस नंबर का मैं आपका पक्का करके चला हूं। सिर्फ तीस नंबर नहीं आपके CT, मेंस और ग्रुप डी को दोनों को दोगे दोगे ना आप।, आप लोग दोनों पेपर दोगे। तो आपका पचास से साठ नंबर का जिम्मा मैं उठ रहा हूं पचास से साठ नंबर की जिम्मेवारी मेरी भाई तो बिल्कुल इन क्लासों को देख लो पचास से साठ नंबर आपके कवर हो जाएंगे वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लो जिसको दिक्कत थी ठीक है अब बड़े ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन एक निश्चित राशि आठ परसेंट प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साढ़े पांच वर्षो में इतने रुपए हो जाती है इसी राशि पर दस परसेंट प्रति वर्ष की दर से आठ वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें आठ वर्षों का साधारण ब्याज करें थोड़ा सा चेंज किया बस क्वालिटी वही है क्वेश्चन की क्वेश्चन की क्वालिटी वही है बस थोड़ा सा चेंज किया आप मुझे बताओ आठ परसेंट के हिसाब से साढ़े पांच यानी कि पांच दुनी दस और एक ग्यारह ग्यारह बटा दो वर्षो में ब्याज कितना बनेगा आप कहोगे जी ब्याज बनेगा जी चुवालीस परसेंट ब्याज कितना बनेगा मेरे दोस्त चुवालीस परसेंट बनेगा चुआलीस परसेंट ब्याज है तो मिश्र धन कितना और यह कितना एक सौ चुवालीस परसेंट की वैल्यू बारह हजार छियानवे आगे देखो क्या कहते हैं इसी राशि पर दस परसेंट प्रति वर्ष की दर से आठ वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो तो देखो दस परसेंट के हिसाब से आठ साल में ब्याज कितना बनेगा अस्सी परसेंट तो इस अस्सी परसेंट की वैल्यू आपको है दोस्तों इस अस्सी परसेंट की वैल्यू आपको बतानी है देखो प्रतिशत से प्रतिशत गया आठ से काटोगे तो दस आठ से इसको काटोगे आठ है कम आठ छह बचेगा अठू अठू चौसठ बात को समझ पाए मेरे भाई अब अट्ठारह से इसको काट दो तो अठारह से इसको काट दो मेरे भाई देखो अट्ठारह से काटूंगा अठारह पंज नब्बे अठारह छिका एक सौ आठ तो बच गया बारह उतारा नौ अठारह पंजे आ, अठारह सत्ता मेरे भाई एक सौ छब्बीस इसमें से एक सौ छब्बीस घटाओगे तीन बचेगा और उतारा लास्ट में ये छत्तीस मैंने काट के अब देखो छह सौ बहत्तर और यहां पर एक जीरो थी तो आपका सड़सठ सौ बीस रुपया अंतर आ गया सड़सठ सौ बीस रुपया जो है आपका आंसर आ जाएगा कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें भाई कुछ भी नहीं था मैंने देखा आठ परसेंट की रेट से साढ़े पांच साल में ब्याज कितना बन गया चौवालीस परसेंट अगर ब्याज चुवालीस परसेंट बन गया तो मिश्र धन हो जाएगा एक सौ चवालीस परसेंट और उसकी वैल्यू दे रखी थी एक सौ चालीस परसेंट की वैल्यू ये है हमें बताना था दस परसेंट के हिसाब से आठ साल का ब्याज तो दस अठे अस्सी परसेंट बन गया ब्याज तो अस्सी परसेंट की वैल्यू बतानी थी उसके बाद थोड़ी बहुत काटा पीटी थी आंसर आ गया छह हजार सात सौ बीस रुपया छह हजार सात सौ बीस रुपया आंसर आ गया एक बच्चा बोल रहा डीएस लगाओ सर जी अगर आप इस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहे हो सर डीएस लगाओ इसका मतलब आपने कल की मेरी क्लास ढंग से नहीं देखी याद करो कल की क्लास में मैंने क्या कहा था अगर नीचे अगर नीचे डीएस तीन छह या नो बचता तो वहां पर डीएस नहीं लगाना आप यहां पर देखो चार और चार आठ रेक नो नो बच रहा है मेरे भाई नीचे कितना डीएस आ रहा नो तो मैं यहां पर डीएस नहीं लगाऊंगा पहले मेरे को नो को काटना पड़ेगा तो मैं इतनी मशक्कत करूंगा इतनी देर में तो क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा समझ पा रहे हो नीचे डीएस नो बना मेरे भाई चार और चार आठ रेक नो इसलिए मैं डीएस नहीं लगाऊंगा सीधा सीधा इसमें ठीक है ना मैंने आपको बताया था देखो यही आप आधी अधूरी बातें मत सीखो मैंने आपको बताया था हर एक टीचर ने आपको जिसने भी डीएस पढ़ाया उन्होंने आपको यह बताया कि डीएस कहां कहाँ पर लगाना है लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि डीएस कहां कहाँ पर नहीं लगाना पर मैंने कल की क्लास में यह भी बताया था कि डीएस कहाँ पर नहीं लगा सकते आप आ जाएगा सिक्सटी पॉइंट वन नंबर है तो मेरे भाई अरजदीप बिल्कुल चांसेज आपके आने के और यह क्वालिफाइंग होगा देखना आप क्वालिफाइंग होगा सर जी लाइट ऑफ करके देख लो थोड़ा बलर तो एक सेकंड रुकना मेरे भाई अभी बताओ अब क्लियर है अभी मुझे बताओ अभी क्लियर है अभी क्लियर दिख रहा है वीडियो है ना हाँ बिल्कुल मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू जहां पर लगेगी या नीचे तीन छह नौ आ जाए डीएस तो वहां पर हम नहीं अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें मैंने बताई थी मेरे भाई अब ध्यान से देखना चौरासी सौ रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में आठ पॉइंट सात पांच परसेंट प्रतिवर्त साधारण ब्याज की दर से ग्यारह हजार छियालीस रुपए हो जाती है छियानवे तो सौ रुपए की राशि इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें मेरे भाई देखो मैं कितना बेस्ट मेथड बता रहा था इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देगा सीजियल है पर मैं आपको कुछ बेहतरीन बातें बताता आया हूं तो इसमें भी बेहतरीन बात ही बताऊंगा मैंने आपको बताया जो ब्याज होता है ना वो प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम के बराबर होता है आप सबको पता है है ना यानी कि ब्याज जो वो प्रिंसिपल पर भी डिपेंड करता है ब्याज जो होता है वो रेट पर भी डिपेंड करता है और ब्याज जो मेरे भाई टाइम पर भी डिपेंड करता है अब यहां पर छियानवे सो, सो, सो थी यानी कि राशि तो गई बदल इसी दर से रेट क्या मेरे भाई सेम है तो रेट से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी समय के लिए यानी कि समय भी सेम हो गया कॉन्स्टेंट हो गया तो समय से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाई रेट और टाइम जो है ना सेम है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बदलाव किस में आया है बदलाव आया है प्रिंसिपल में तो ब्याज में भी बदलाव किसकी वजह से आएगा प्रिंसिपल की वजह से आएगा ब्याज में भी बदलाव ब्याज में इंटरेस्ट में बदलाव आएगा प्रिंसिपल की वजह से तो अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो गया इससे हमें कोई मतलब नहीं है चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा मेरे भाई चुरासी सौ रुपए की राशि ग्यारह हजार छियालीस होगी चुरासी सौ रुपए की राशि मेरे भाई ग्यारह हजार छियालीस होगी तो मुझे बस ये बताओ ब्याज कितना लग गया कितना ब्याज बन गया मेरे भाई कोई बच्चा बताएगा आप कहो जी यहां से इंटरेस्ट बन गया सोलह सो और ये चालीस तो सोलह सो छियालीस जो है यहां से सोलह सो नहीं मेरे भाई छब्बीस सौ छियालीस जो है छब्बीस सौ छियालीस जो मेरे भाई ब्याज बन गया ग्यारह हजार में से आप चौरासी सौ घटाओगे छब्बीस सौ चालीस ब्याज बन गया कब जब पैसा चौरासी था अब मेरी बात को गौर से सुनना जब पैसा चौरासी सौ रुपए था तो ब्याज आपका कितना बनना था छब्बीस सौ और जब पैसा मेरे भाई छियानवे सौ रुपए हो जाएगा तो ब्याज कितना लगेगा बता दो जब पैसा छियानवे सौ रुपए हो जाएगा तो ब्याज कितना लगेगा बता दो मैं किसी फार्मूले का यूज कर ही नहीं रहा मैं बेसिक कंसेप्टों से कर रहा हूं अपनी समझ से दो जीरो से दो जीरो गई बारह पंजे छिया बारह सतह चौरासी बारह अठे छियानवे समझ पाए सात से इसको कट करो मेरे भाई सातिया इक्कीस पांच बचगा सातु आठ छप्पन अब इसकी आठ के साथ गुणा करनी है तो आप कहोगे अट्ठू अट्ठू चौसठ यानी कि लास्ट में आएगा चार अट्ठू अट्ठू चौंसठ है तो लास्ट में आएगा चार यानी कि मेरा आंसर है तीन हजार चौबीस तीन हजार चौबीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी मेरे भाई ऑप्शनों पे नजर मारा करो मैंने देखा अट्ठू अट्ठू चौसठ यानी कि लास्ट में चार आएगा एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा था जिसके लास्ट में चार था तो कोई डाउट समस्या परेशानी किसी भी बच्चे को है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सेशन को शेयर जरूर करते रहे मेरे भाई आपका अपना चैनल है लाइव जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मैं कराने वाला हूं चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा चाहे चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम आएगा चाहे आपका सी टी होगा ग्रुप डी होगा सीजीएल परी होगा सी होगा हर एक एग्जाम के लिए मैं यहां पर आपको क्लासेस देने वाला हूं और जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सी एच सीजीएल परी का मैं ये करवा रहा हूं परी के लेवल का अभी मैं करा रहा हूं जैसे टायर वन का पेपर होगा फिर मेंस के लिए आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा तो सीजीएल के मैथ और तो रीजनिंग की तैयारी भी आप यहां पर यूट्यूब से कर पाओगे मेरे भाई किसी को भी मोटी मोटी फीसें देने की जरूरत नहीं है अपना पैसा बचाकर रखो अपने मां बाप की मेहनत बचाकर रखिएगा सिर्फ यहां पर फ्री में पढ़िएगा मेरे भाई ठीक है तीन हजार चौबीस बिल्कुल वही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं जो आपको बैचों में दिया जाता है अब ये सीजियल मेन्स का क्वेश्चन है मेरे भाई बड़े ध्यान से देखो चौरासी सौ रुपए की एक राशि देखना मेरे भाई मजा आएगा आपको ये सीजियल मेंस में दो हजार उन्नीस के पेपर में आया तो ये वैल्यू समझिए आपने चौरासी सो छियानवे सो दो 2019 में आया मेरे भाई और यह 2020 में मेंस में फिर से क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लगभग देखो यहां रेट वही थी आठ पॉइंट सात परसेंट यहां पर भी आठ पॉइंट सात परसेंट है तो एस एस सी में जो क्वेश्चन होते हैं ना मेरे भाई वो रिपीट होते हैं इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाएगा और मैं खुद भी आपको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं सर दस क्वेश्चन का पर फिर से बता दो प्लीज दसवां क्वेश्चन फिर से बता दो, ये बोल रहे है। जो चेंज आएगा वो सिर्फ प्रिंसिपल की वजह से आएगा आपने देखा पहले प्रिंसिपल चौरासी सौ था और ये पैसा इतना बन गया था यानी कि ब्याज बना था छब्बीस सौ छियालीस भाई चौरासी सौ रुपये प्रिंसिपल था तो ब्याज बना इतना बाद में प्रिंसिपल होगा छियानवा तो जो प्रिंसिपल होगा तो पैसा ब्याज कितना बनेगा आपने देखा इसको कैलकुलेट किया काटा पीटी से यानी कि लास्ट में आएगा च्यार. तो लास्ट में चार आएगा तो एक ऑप्शन दे रखा था यानी कि तीन हजार चौबीस आंसर होगा समझ पाए अब इस क्वेश्चन को करो बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन एक बार करो तब तक मैं पानी पी लेता हूं और कोई भी बच्चा लास्ट तक नहीं जाएगा बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया आप लोगों का जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कितना आया हो गया तो देखेगा एक बार इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूं ध्यान से देखो क्या कहता चौरासी सौ रुपए की एक धनराशि आठ पॉइंट पांच परसेंट सेम क्वेश्चन है कितने रुपए होगी इतने रुपए हो जाती है ग्यारह हजार छियालीस रुपए होगी समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए एक दस हजार आठ सौ रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा देखो राशि थी पैसा चौरासी आपने उधार लिया था चौरासी सौ रुपए प्रिंसिपल था तो ब्याज बनता छब्बीस सौ चालीस अब मुझे बताइएगा मेरे भाई जब दस हजार आठ सौ रुपये प्रिंसिपल होगा दस हजार आठ सौ रुपये प्रिंसिपल होगा तो ब्याज कितना लगेगा देखो बारह सत चौरासी बारह निमा एक सौ आठ समझ पा रहे हो जो भी आंसर होगा वो नाइन का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा मेरे भाई नौ का मल्टीपल होगा चार और तीन सात और दो नौ बन रहा है तीन और दो पांच पांच और चार नौ बन रहा है मेरे भाई नौ का मल्टीपल तो एक से दो संख्याएं आ गई एक से ज्यादा संख्याएं आ गई कोई दिक्कत नहीं पूरा काट लो सात से काटोगे सात या इक्कीस पांच बचा था सात सोन इंच पांच बचा था सातों आठ छप्पन तो नौ अट्ठे बेहतर यानी कि लास्ट में कितना आएगा मेरे भाई दो आएगा नौ अट्ठे बेहतर तो लास्ट में दो आएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है उम्मीद करता हूं बातें समझ पाए मजा आ रहा है तो फटाफट देखो मैंने टाइप सेम क्वेश्चन कराया मैंने कहा यार ये 2019 में आया था और ये थोड़ी सी वैल्यू यहां पर चेंज करके 2020 में भी आ गया तो प्रैक्टिस भी हमें उसी तरीके से करनी है सिलेबस को समझते हुए अब ये एम के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तीन वर्षों के अंत में अट्ठाईस की किसी राशि पर साधारण ब्याज चार है इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए इन लाइनों को पकड़ो अगर रेट और टाइम इक्वल है तो पैसा ब्याज जो है डिपेंड किसके ऊपर करेगा प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करेगा आपने देखा तो प्रिंसिपल पहले अट्ठाईस था अब हो गया बत्तीसौ रुपये तो कुछ भी नहीं करना आपने देखा जब प्रिंसिपल अट्ठाईसो रुपए था तो ब्याज कितना लग रहा था मेरे भाई चार लग रहा था और जब प्रिंसिपल आपका बत्तीस रुपए हो गया तो ब्याज कितना लगेगा ये बता दो मेरे भाई तो आप कहोग से दो जीरो गई चार सत अट्ठाईस चार अट्ठा बत्तीस सात से काटोगे सात छिक्के बयालीस और ये जीरो आठ छिक अड़तालीस और एक ये पीछे जीरो आ जाएगी तो चार सौ अस्सी रुपए आपका ब्याज आ गया चार सौ अस्सी रुपए जो है इस क्वेश्चन का ब्याज आ गया उम्मीद करता हूं सारे बच्चे आसानी से बता पा रहे हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं रेट और टाइम को इक्वल मान के वहां पर फॉर्मुला लगा के पहले रेट और टाइम निकालने की सोचते हैं पहले रेट और टाइम निकालने की सोचेंगे इतनी बेवकूफी भरे काम करते हैं मेरे भाई मैं कहता हूं कंसेप्ट क्लियर कर लो क्वेश्चन कम टाइम में हो जाएगा सेप्ट क्लियर कर लो मेरे भाई बातें दिक्कत नहीं आएगी एक राशि साधन अब थोड़ा सा स्पीड पकड़े और फटाफट करें क्योंकि तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है थोड़ी सी स्पीड पकड़ते मेरे भाई एक राशि साधन ब्याज पर सात वर्षों में दुगुनी हो जाती है कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से पांच गुना हो जाएगी भाई फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में आया है अब बड़े ध्यान से सुनो मैं आपका इसका बेसिक बताता हूं और फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कोई राशि है मेरे भाई वो क्या करती राशि सात साधारण ब्याज पर सात वर्षों में दुगुनी होगी सात वर्षों में दोगुनी होगी यानी कि कितनी होगी मेरे भाई टूपी होगी कितने वर्षों में सात वर्षों में टूपी होगी कोई डाउट है नहीं सर जी अब यही राशि अगर यही राशि में देखूं तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से पांच गुना हो जाएगी पांच गुना कितने वर्षों में हो जाएगी आपसे पूछा गया है अब यहां पर एक बात सुननी सोचनी ध्यान से यार सात वर्षों में दोगुनी होगी पी से कितना हो गया मेरे भाई टूपी हो गया टू पी होने का मतलब यार ब्याज कितना लग गया इस पर आप कहोगी इंटरेस्ट लग गया सर जी इस पर पी इंटरेस्ट कितना लग गया इस पर पी लग गया बात को समझ पा रहे हो अच्छा पी भी छोड़िए ना पी के केस में मत पढ़ो मैं आपको और बढ़िया तरीके से बताता हूँ मैंने मान लिया एक रुपया उधार लिया था और वो सात वर्षों में कितना हो गया दो गुना यानी कि दो रुपये बन गया तो आपसे जानना चाहता कितने वर्षों में यही पैसा अपने आपका पाँच गुना हो जाएगा आप बताओ एक रुपया जो था वो दो रुपये बन गया यानी कि ब्याज कितना लगा एक रुपया एक रुपया पाँच रुपये बन रहा है तो मतलब ब्याज कितना लगेगा चार रुपया एक रुपया ब्याज लगा था सात वर्ष में एक रुपया ब्याज लगा था सात वर्ष में तो चार रुपया ब्याज कितने वर्ष में लगेगा आपको अट्ठाईस वर्ष में यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या मेरी बातों को समझ पाए मैंने कंसेप्चुअली आपको चीजें सिखाई हैं अब मैं आपको बताऊंगा इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं आप इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में लपेट सकते हो बड़े गौर से सुनना आपसे क्या कहा गया मेरे भाई जब पैसा दो गुना हुआ एक से दो हो गया तो एक रुपया ब्याज लगा सात वर्ष में यही पैसा पांच गुणा कितने वर्ष में हो जाएगा पांच गुना होने का मतलब चार रुपये ब्याज लगा तो कितने वर्ष में आपने देखा एक रुपया ब्याज लगा था सात वर्ष में एक रुपया ब्याज सात वर्ष में तो चार रुपये ब्याज कितने साल में लगेगा अट्ठाइस वर्ष में लगेगा कोई डाउट है तो जल्दी से बताइएगा कोई डाउट नहीं अट्ठाइस वर्ष आपका आंसर आ गया अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनना यह तो मैंने पूरा बेसिक आपको बता दिया अब क्वेश्चन को कम टाइम में लपेटना है तो एक बात याद रखेगा जितने गुणा ये बोले जितने गुणा मेरे दोस्तों ये बोले उससे एक कम कर दोगे तो वो ब्याज होता है जितने गुणा ये बोले उससे एक कम कर दोगे तो वो ब्याज होता है अगर इसने यहां पर कहा सात वर्षों में दो गुणा दो गुणा में से एक कम करूंगा तो एक रुपया ये ब्याज है, और ये ब्याज कितने वर्षों में लगा सात वर्षों में ये कह रहा मूल राशि से पांच गुणा कितने साल में हो जाएगा पांच गुना में से एक कम कर दो तो चार तो चार रुपए ब्याज देख लो कितने साल में हो जाएगा आपको अट्ठाईस वर्ष में कितने साल में हो जाएगा मेरे भाई अट्ठाईस वर्ष में क्या मेरी बात को समझ पाए जितने गुना बोले यार उससे कम कर देना वो ब्याज हो जाता है यहां पर दो गुणा बोला था एक कम करूंगा एक रुपया ब्याज कितने साल में सात वर्ष में यहां पर पांच गुणा बोला तो एक कम करूंगा चार रुपये ब्याज कितने साल में लगेगा अट्ठाइस वर्ष में तो अगला क्वेश्चन मुझे सोल्व करके बताओ अगला क्वेश्चन जो है मुझे सोल्व करके बताइएगा जल्दी से एक बार माफी चाहूंगा भाई मुझे ही जाना पड़ता है बार बार कोई है नहीं यहां पे तो बात को समझा इस क्वेश्चन का आंसर आंसर बताओ किसी का आया बहुत ही बढ़िया शानदार मेरे भाई बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखिएगा प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि आठ वर्ष में दुगुनी हो जाती है दुगुनी होने का मतलब एक रुपया ब्याज लगा आठ वर्ष में वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की दर से समान दर से चार गुणा हो जाएगी

कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मेरे भाई कितने साल में लगेगा दस वर्ष में निपटाओ फटाफट और आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन देखेगा तीन वर्ष के अंत में टू पी रुपए की राशि पर प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सौ रुपए मेरे भाई देखो तीन वर्ष में टू पी रुपए की राशि से प्रति वर्ष ब्याज की दर से यहां पर रेट क्या दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थ्री टी ईयर एट आर परसेंट परिणाम अच्छा देखो यहां पर थ्री टी है तीन वर्ष नहीं है थ्री टी है मेरे भाई थ्री टी वर्ष में थ्री टी वर्ष में इसको मैं लिख देता हूं तीन टी वर्षो में टूपी राशि टू पी राशि पर आर परसेंट की रेट से आर परसेंट यहां पर लिख लो आर परसेंट प्रति वर्ष ब्याज की दर से कितनी रेट से मेरे भाई आर परसेंट प्रति वर्ष ब्याज की देर से तो ब्याज कितना लगता है आपको इस हिसाब से ब्याज लगता है कितना रुपया सौ रुपया सबसे बेस्ट मेथड है समझ लेना नहीं तो इन क्वेश्चनों में इतना टाइम खराब करवाते हैं टीचर्स अब बड़े ध्यान से दुखना देखना भाई इस हिसाब से ब्याज बना सौ रुपए आपसे जानना चाहता पैतीस परसेंट पर क्या आएगा विल बी सिंपल ट्रिपल ऑफ द सम फोर फाइव टी ईयर्स एट थ्री आर परसेंट यहां पर क्या तीन आर परसेंट है तो आपसे जानना चाहता तीन आर परसेंट की रेट से पांच पांच टी आएगा यहां पर फाइव टी वर्षो में फाइव टी वर्षों में त्रिगुणी राशि पर राशि देखो यहां पर टू पी थी इसका तीन गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा सिक्स पी हो जाएगा यानी कि सिक्स पी राशि पर ब्याज बता दो कितना होगा क्वेश्चन आपका मेरे भाई ये है देखो कितना आसान बना दिया नहीं तो फार्मूले लगाते फिरते फिर मैंने कहा देखो मेरे भाई थ्री टी वर्षो में टू पी की राशि पर आर परसेंट की रेट से जो ब्याज बना वो सौ रुपए है आपसे पूछा ये थ्री आर परसेंट की रेट से फाइव टी वर्षो में छी राशि पर यानी कि तीन गुणी इसकी तीन गुणा करूंगा तो छह पी राशि हो जाएगी इतनी राशि पर ब्याज कितना बनेगा ये आपसे पूछा है तो बड़ा ही आसान है काटा पीटी मजा दो तो, पी से पी कैंसल आर से आर कैंसल टी से टी कैंसल मेरे भाई। बात को समझ पाए यहां पर तीन बच गया तीन से तीन कैंसल दो बच गया तो मेरे भाई छह को काट लो तीन पर पांच पंद्रह और पंद्रह की सौ के साथ गुणा करोगे कि कितना ब्याज जा आ जाएगा मेरे भाई पंद्रह सौ रुपये ब्याज जा आ जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन ऑफ दिज नन ऑफ दिज इनमें से कोई भी आंसर नहीं है सर जी मैं तो पीछे रहेगी कोई बात नहीं अब पीछे वाला बाद में कवर कर लेना अभी जो पढ़ा रहे उसको समझ लो एक बार पंद्रह सौ रुपए ब्याज आ जाएगा सबसे आसान तरीका बना दिया मैंने ये नहीं तो फार्मूले लगा लगा के इस क्वेश्चन को इतना लंबा बना दिया जाता बहुत ज्यादा मेरे भाई ये पी आर टी इनकी वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है ठीक है ना तो मैंने आपको कहा इस हिसाब से ब्याज बना था सौ इस हिसाब से ब्याज बना दो कितना बनेगा पंद्रह सौ अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनो मजा आ रहा होगा कितने वर्षों में किसी राशि पर साढ़े बारह परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा एकदम शानदार क्वेश्चन और इसका तरीका ऐसा बताऊंगा मात्र एक सेकंड में आंसर दोगे मात्र सेकंड में आंसर दोगे रिपीट कर दो सर पूजा देखेगा रिपीट करने का कुछ था नहीं थ्री टी वर्षो में टू पी राशि पर आर परसेंट की रेट से ब्याज बनता है सौ रुपया इस हिसाब से ब्याज कितना बन गया सौ रुपया वो कह रहा है थ्री आर परसेंट की दर से पांच टी वर्षो में राशि यहां पर टू पी राशि थी तो इसका तीन गुणा करूंगा पी पर ब्याज कितना काटा पी टी जस्ट हमारा बताता हूं और कोई भी बच्चा जाएगा क्योंकि इसका मैं गजब का तरीका बताऊंगा मात्र एक सेकंड में आंसर निकाल दोगे एक सेकंड में पर पहले एक बार बेसिक तो कर ले कितने वर्षों में किसी राशि पर साढ़े बारह परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा मैंने मान लिया मूलधन कितना मेरा पी रुपया है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा मेरे भाई ब्याज भी पी हो जाएगा क्योंकि पी है और प्रिंसिपल भी आपका पी था रेट कितनी दे रखी थी साढ़े बारह परसेंट साढ़े बारह को लिख लिया मैंने एक सौ पच्चीस बटा दस क्योंकि एक संख्या था प्रतिशत के नाम का आता बटे में सो और गुणा में टाइम आपसे पूछा गया था

सिर्फ इस रेट परसेंट को पकड़ लो मेरे भाई साढ़े बारह परसेंट का फ्रैक्शन आपको पता है अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी परसेंटेज की क्लास बताई थी इसका फ्रैक्शन होता है मेरे भाई एक बटा आठ अब यह जो रेट है ना ये ब्याज होता है एक साल का तो ये किस पर डिपेंड करता मूलधन पर यानी कि नीचे होता है मेरे भाई मूलधन हमेशा याद रखना नीचे क्या होता है मेरे भाई मूलधन होता है और ये क्योंकि ब्याज होता है नहीं ऊपर क्या होता है मेरे भाई ब्याज होता है अब बड़े गौर से सुनो अभी हमारा ब्याज कितना है एक रुपया और हमें ब्याज किसके बराबर बनाना हमें ब्याज बनाना मूलधन के बराबर तो भाई एक रुपए का अगर मैं आठ रुपया बनाना चाहता हूं तो कितना गुना करना पड़ेगा आठ तो भाई एक रुपया आठ रुपए कितने साल में बनेगा आठ वर्ष में बनेगा मेरे भाई कितने वर्ष में बनेगा आठ वर्ष में बनेगा बताओ मजा आया कि नहीं आया कितने वर्ष में बनेगा आठ वर्ष में बनेगा मजा आया तो मैंने कहा साढ़े बारह परसेंट का फ्रैक्शन एक बटा आठ नीचे होता है के बराबर। तो आठ तो गुणा करना पड़ेगा लगेगा मेरे भाई। ना आठ वर्ष अब देखो मैं प्रैक्टिस करा आपकी मैंने कहा, मैंने कहा मैंने कहा मेरे भाई रेट जो आपको दे रखी है वो ग्यारह से एक बटा नो परसेंट दे रखी है तो प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट के बराबर कितने साल में हो जाएगा टाइम आपसे पूछा है ये आपका क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन आपको दिया सोलह सही दो बटा तीन परसेंट की रेट से सोलह सही दो बटा तीन परसेंट की रेट से कितने वर्षों में ब्याज जो वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा कितने वर्षों में ब्याज जो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेगा मुझे आप लोग यह बताइएगा नो सही एक बटे ग्यारह परसेंट की रेट से नो सही एक बटे ग्यारह परसेंट की रेट से कितने वर्षों में प्रिंसिपल जो है ब्याज के बराबर हो जाएगा कितने वर्षों में अब मेरी बात सुनो अगला क्वेश्चन मुझे बताएगा मुझे बताएगा साढ़े परसेंट की रेट से साढ़े की रेट से साढ़े की रेट से साढ़े सैतीस पर रेट से कितने सालों में कितने सालों में जो इंटरेस्ट है मेरे भाई वो ब्याज के इंटरेस्ट जो हो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा कितने सालों में फटाफट इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ एक एक सेकंड में अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आपको पता है जी इसका फ्रैक्शन होता है एक बटा नौ। नो यानी कि नौ गुणा तो नौ गुणा का मतलब मेरे भाई कितने वर्षों में नो वर्षों में हो जाएगा बात को समझे यहां पर देखेगा सोलह सही दो बटा तीन परसेंट का फ्रैक्शन होता एक बटा छह तो छह गुना मेरे भाई यानी कि छह वर्षों में यह पैसा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा यानी जो ब्याज वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा यहां पर देखेगा नौ से एक बटे ग्यारह परसेंट का फ्रैक्शन होता है एक बटे ग्यारह तो कितने वर्षों में मेरे भाई ग्यारह वर्षों में जो ब्याज वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा साढ़े सैंतीस परसेंट का फ्रैक्शन होता है तीन बटे आठ मेरे दोस्तों अब मेरी बात को सुनो एक साल में तीन ब्याज लगा प्रिंसिपल तो तीन का मुझे बनाना कितना आठ रुपए तो तीन का आठ रुपए बनाना तो कितने गुणा है? ये देखो तीन का आठ देखना कितने गुणा है तो तीन से काटोगे आपको तीन दुणी छह और दो बच गया दो बटा तीन यानी कि इतने वर्षों में मेरे भाई कितने वर्षों में दो सही दो बटा तीन वर्षो में और दो बटा तीन वर्षो के महीने बताऊंगा तो क्या बनेंगे दो वर्ष तो कंप्लीट है दो वर्ष तो कंप्लीट है मेरे भाई दो बटा तीन वर्षो के महीने बनाऊंगा तो गुणा में क्या करना पड़ेगा बारह तो तीन चौके बारह और चार दुनी आठ तो आपका आंसर होगा मेरे भाई दो वर्ष आठ महीने में दो वर्ष आठ महीने में ये जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर आ जाएगा बताओ मजा आ रहा है सर ये इनफ आई या और टॉपिक अरे मेरे भाई जो मैं करा रहा हूं वो कर लो बस क्योंकि मैं पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बता रहा हूं और बेस्ट मेथड के साथ बता रहा हूं बेस्ट अप्रोच के साथ मैं आपको बता रहा हूं कैसे बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हैं किस्तों वाले क्वेश्चन भी करा देना सर एक एक चीज कराऊंगा घबरा क्यों रहे मेरे भाई और किस्तों वाले क्वेश्चन तो मैंने करा रखे मेरे भाई आप वीडियो में जाना लाइव वीडियोज में जाओगे ना तो चाहे साधारण ब्याज की किस्तों चाहे चक्करवर्दी ब्याज की किस्तों मैंने करा रखे हैं करा रखे मेरे भाई देख लेना प्लीज जबरदस्त आरपी स्टाइल बहुत ही बढ़िया मजा आ गया तो मैंने चार क्वेश्चनों की यहां पर आपकी प्रैक्टिस करा दी एक क्वेश्चन ये था मेरे भाई पांच क्वेश्चन इस टाइप के हो गए देखते हैं आंसर करना कभी भी एग्जाम में आई ये ये फर्जी फर्जी मेथड मेथड आपको आपको नहीं नहीं मेरे भाई नहीं लगाने है। अपना आरपी स्टाइल चलने देना बस पेपर में ठीक है अगला क्वेश्चन देखेगा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को यह क्वेश्चन क्या कहता है किसी निश्चित समायावधि के बाद मूलधन और मिस्र धन का अनुपात पांच से भाई कुछ वर्षों के बाद मूलधन और मिस्र धन प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो वो कितना मेरे भाई पांच अनुपात छ है आठ वर्षों के बाद इनका अनुपात एक अनुपात दो हो गया आठ वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना होगा एक अनुपात दो हो गया आठ वर्षों के बाद मुझे एक छोटी सी बात बता दो बस मेरे भाई यहां पर ये अगली टाइप आ गई सर आप क्वेश्चन भेजते हो तो प्रैक्टिस के लिए वही बहुत है क्या हाँ देखो जो बच्चा सीईटी या चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहा है तो जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं टेलीग्राम पर सिर्फ उन क्वेश्चनों को कर लो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई थोड़ा सा विश्वास कर लो पर जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो मेरी क्लास देखकर वो मेरी क्लास देखकर किरण वाली बुक से क्वेश्चन कर देना मजा आ जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है ना ठीक है अब ध्यान से देखो तो यहां पर देखेगा यहां पर आपको कहा ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पांच छह था आठ वर्षों के बाद ये अनुपात हो गया एक अनुपात दो तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है यहां पर एक बात मुझे बताओ यार यार देखो प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा आपने उधार लिया तो वो तो सेम रहेगा ना ठीक है अमाउंट बदलता रहेगा क्योंकि कुछ सालों के बाद ब्याज बढ़ता रहेगा तो ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा पर प्रिंसिपल मेरे भाई सेम रहेगा यहां पर प्रिंसिपल है तो यहां पर भी बनाने के लिए मैं पांच से गुणा कर दूंगा अब इसमें पांच से गुणा किया तो यहां पर भी पांच से गुणा करना पड़ेगा नया डेटा आएगा पांच छे छह और ये आ जाएगा मेरे भाई पांच कम पांच और ये पांच धोनी दस यानी कि जो हमारा अमाउंट है ये प्रिंसिपल था अमाउंट छ से दस हो गया यानी कि चार रुपए बढ़ गया कितने सालों में आठ वर्षों में मेरे भाई इसका मतलब चार रुपए बढ़ गया चार रुपए क्या बढ़ेगा ब्याज बढ़ा होगा चार रुपए सीधी सी बात है तो चार रुपए ब्याज लगा मेरे भाई आठ वर्षों में चार रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगा आठ वर्षों में आपसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात करें तो ब्याज की दर कैसे ज्ञात करोगे मुझे बता दो ब्याज की दर कैसे ज्ञात करोगे बस मुझे बता दो मेरे भाई जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ब्याज की दर कितनी होगी आईबीपीएस हाँ, आरआरबी में भी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और बैंकिंग वाले मेरे बच्चे जो ये मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं इनको ध्यान से देख लेना क्योंकि बैंकिंग में आपको टाइम बहुत कम मिलता है देखो जीवन जांगड़ा अभी कुछ नहीं कह सकते पर कोशिशें चल रही है कि सभी का रोल नंबर रोलम्बरा सीटी क्वालिफाई इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिशें चल रही है और मुझे उम्मीद है कि सरकार मान जाएगी तो आप तैयारी करते रहिएगा मेरे भाई तैयारी करते रहिएगा क्या पता सि क्वालिफाई कर दे और आप तैयारी ना करो तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना मेरे भाई तो आप तैयारी करते रहो सीटी हो गया तो आपको चांस मिलेगा नहीं तो ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी तो खाली बैठने से तो कुछ भी नहीं है ठीक है ना खाली बैठने से तो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई ठीक बात समझ समझ रहे हो यार चार रुपए ब्याज लग रहा है मेरे भाई कितने वर्षों में आठ वर्ष में प्रिंसिपल कितना था पांच रुपए अब देखो कुछ नहीं हमारे पास सारी चीजें ब्याज का फार्मूला क्या था ब्याज बराबर है प्रिंसिपल इंटू रेट हमें निकाली है इन टाइम टाइम कितना था आठ वर्षों का बटे में क्या कर दोगे सो so कर दोगे पांच छे काटोगे बीस पर कटेगा चार से काटोगे दो पर कटेगा और दो पे काटोगे कितना आएगा दस आएगा ये दस उधर जाएगा और इधर बच जाएगा मेरे भाई सिर्फ आर तो रेट कितनी आ जाएगी मेरे भाई दस परसेंट आ जाएगी रेट कितनी आ जाएगी मेरे भाई दस परसेंट आ जाएगी देखो मैंने क्या किया ब्याज का फार्मूला लगा दिया ब्याज चार रुपए था ब्याज का फार्मूला था प्रिंसिपल पांच रुपए था इन रेट इन टाइम टाइम कितना दे रखा था आठ वर्ष दे रखा था बटे में सो देखो पांच से मैंने इसको काटा बीस पर काटा चार से उसको काटा चार दो से बीस को काटा दस पर इधर ऊपर कुछ नहीं बचा सिर्फ आर बचा है तो आर रखो इधर बटे में उधर जाएगा तो ये दस बन जाएगा तो रेट बराबर है दस परसेंट के बराबर उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए कोई डाउट है कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बस पहले प्रिंसिपल को इक्वल करना है प्रिंसिपल इक्वल करते क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा आपने देखा चार ब्याज लग गया आठ वर्षों में तो ब्याज हमारे पास है प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है रेट हमें निकालनी है टाइम हमारे पास है बटे सो करके निकाल दोगे मेरे भाई आसानी से अगला क्वेश्चन देखेगा भाई ध्यान से सुनो अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पांच अनुपात छह है फटाफट सेम क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए छह वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना हो गया मेरे भाई दो अनुपात तीन हो गया अब बड़े ध्यान से सुनो मैंने कहा था प्रिंसिपल तो इक्वल होगा यहां पर को मैं गुणा कर दू दो के साथ और दो को गुणा कर दू पांच के साथ तो ये भी दस और ये भी दस मेरे भाई यहां पर दो से किया तो यहां पर भी करो यहां पर पांच से गुणा किया तो यहां पर भी करो अब नया डेटा आ गया पांच दुनी दस और छह दूनी बारह यहां पर देखोगे आप पांच दूनी दस और पांच पंद्रह मेरे भाई यानी कि बारह रुपए पंद्रह बन गए तीन रुपए ब्याज लग गया मेरे भाई कितने सालों में आप कहोगे जी कहोग वर्षों में छह वर्षों में तीन रुपए ब्याज लग गया ब्याज का फार्मूला लगा दो ब्याज का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई प्रिंसिपल जो कि कितना है दस है इंटू रेट हमें निकालनी है टाइम दे रखा छह वर्ष का बटे में सो कर दो मेरे भाई समझ पाए जीरो से जीरो कट गया तीन एकम तीन तीन दुणी छह अब ये दस दो एकम दो दो पंजे दस नीचे दस पांच बच गया पांच एकम पांच और इधर बच गया सिर्फ आर तो रेट कितना आ जाएगा मेरे भाई पांच परसेंट आ जाएगा तो मुझे बताओ फटाफट कर दोगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो देखो सभी बच्चों के आंसर आ आ रहे इसका मतलब मजा आ रहा रहा है है सबको सबको बहुत कुछ सीखने को मिल और एक बार मेरे भाई सेशन को शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे बीच बीच में सेशन को शेयर जरूर करते राह करो मेरे भाई ताकि सारे बच्चों का भला हो जाए ये जो मोटी मोटी फीसें लेकर आप पढ़ते हो ना मेरे भाई इससे छुटकारा मिल जाए इसलिए मैं आपको फ्री में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं है ना सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है माता पिता कितनी मेहनत करके आपके लिए पैसा जोड़ते हैं तो उस चीज़ का का फायदा उठा लो जो मैं चीज़ें दे रहा हूं। सोनिया सैनी बोली सर रीजनिंग क्वेश्चन भेजा हुआ था आपने देखा ही नहीं अभी तक कोई नहीं सोनिया सैनी अभी जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो एक बार और भेज देना ठीक है ना क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं आप समझते हो सारे बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो बहुत सारे मैसेज आते तो दिमाग से उतर जाता मान लिया किसी का मैसेज नीचे चला गया दूसरे मैसेज आ जाते जा ऊपर तो हो हो जाता है ऐसा आप समझिएगा इस चीज़ को कल को आप भी जब इस स्टेज पे होगे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होंगे तो कुछ मैसेज नीचे चले जाएंगे वो दिमाग से उतर जाते हैं तो प्लीज आप दोबारा भेज देना मैं करवा दूंगा ठीक है सर कल तक छः के सब्सक्राइबर हो जाएंगे आज ही हो जाएंगे सुमित अगर प्यार करोगे तो मेरे भाई थोड़ा सा प्यार दो इस चैनल को आज ही छः सब्सक्राइबर हो जाएंगे कल तक का वेट क्यों कराओगे है कल तक का वेट क्यों करा रहे हो मेरे भाई थोड़े से सब्सक्राइबरों की कमी है क्लास खत्म होते होते छह हजार सब्सक्राइबर करवा दो भाई ठीक है आपको बस इतना सा काम करना है आपको बस इतना सा काम करना बढ़िया कंटेंट देना मेरे हाथ में है। अब ध्यान से देखेगा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर ग्यारह परसेंट से बढ़कर साढ़े सत्रह परसेंट हो जाती है सीपीओ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है रेट ग्यारह परसेंट से बढ़कर कितनी होगी साढ़े सत्रह परसेंट तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी बढ़ेगी एक हजार इकहत्तर पॉइंट दो जीरो रुपए तक बढ़ जाती है तो निवेश की गई मूल राशि बताओ देखेगा मेरे भाई <coughs> पहले रेट थी 11 परसेंट अब हो गई साढ़े सत्रह परसेंट तो मुझे बताओ ब्याज कितना बढ़ जाएगा मुझे बताओ ब्याज कितना इंक्रीज हो जाएगा आपको जी यह बढ़ जाएगा साढ़े पांच साढ़े छह परसेंट कितना बढ़ जाएगा साढ़े छह परसेंट जो ब्याज इंक्रीज हो गया तो हमारे हिसाब से साढ़े छह परसेंट ब्याज इंक्रीज हुआ पर वो कह रहा मेरे भाई ब्याज कितना बढ़ गया एक हजार इकहत्तर पॉइंट दो जीरो रुपये बढ़ गया एक हजार इकहत्तर पॉइंट दो जीरो रुपए ब्याज बढ़ गया उसका कहना यह है तो आपसे पूछा फिर मेरे भाई प्रिंसिपल की राशि बताओ मूल मूल राशि बताओ मूल राशि होती सौ परसेंट इसकी वैल्यू बतानी है तो देखो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं दम नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंटों पे मैं डीएस लगाऊंगा डीएस कैसे लगाऊंगा छह और पांच ग्यारह तो डीएस बन गया दो मेरे भाई नीचे डीएस दो बन गया तो इसको एक बनाने के लिए मैं पांच गुणा करूंगा मैंने कहा था ना दो का दोस्त होता पांच जिसने मेरी की क्लास नहीं देखी कल डीएस पढ़ा था देख लेना सारी कैल्कुलेशन खत्म हो जाती है छह पांच ग्यारह ग्यारह का डीएस दो पांच से करेंगे तो ऊपर भी पांच से छुना करेंगे अब यहां पर देख लो मेरे भाई सात आठ रेख नो कट गया दो बच गया यहां से एक बच गया गुना में यहां पर कितना बच गया पांच पांच एक दस दस का डीएस कितना होता है मेरे भाई एक होता है तो एक डीएस देख लो किसका है सात और दोनों पांच और एक छह छीएस नहीं चाहिए नौ कट गया चार डीएस नहीं चाहिए सात और एक आठ और एक नो नो डीएस नहीं चाहिए तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई डी ऑप्शन आएगा हंड्रेड परसेंट देखो यहां पर करके देखो छह और एक सात सात और चार मेरे भाई ग्यारह ग्यारह और आठ कितना होता है ग्यारह और आठ होता है उन्नीस और ये नो कट गया तो डीएस कितना बच गया यहां पर भी एक बच गया डीएस और यही तो मुझे चाहिए था डीएस कितना चाहिए था मुझे भाई एक चाहिए था डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन जो है करेक्ट करेक्टर मैंने डीएस से फटाफट कर दिया कोई कैलकुलेशन यहां पर मैंने अभी तक नहीं की मुझे बताओ मजा आ रहा है अच्छा जिसने अभी तक डीएस नहीं पढ़ा वो पूरी पीटी की 35 से 40 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च करेगा उन 35 से 40 सेकंडों में आप जीके के तीन क्वेश्चन कर सकते हो समझ पा रहे हो ना उन 35 से 40 सेकंड में आप जीके के तीन क्वेश्चन कर सकते हो मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है समस्या परेशानी तो जल्दी से कमेंट करके बताएं ठीक है कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं हो जाएगा आपको बिल्कुल हो जाएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेगा और मुझे इसका आंसर बताओ देखो भाई ये भी सीपीओ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन यदि साधारण ब्याज की वर्ष जो ये सीपीओ वगैरह में आ रखे ना दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस में देखने को मिलेंगे और सीटी में भी आप देखोगे अपने पुराने एच के क्वेश्चन देखोगे ना नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए देखो मेरे भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन था देखो ये कहां पर आया ये सीपीओ 2020 में 11 तारीख की 23 तारीख 11 महीने की 23 तारीख को आया ये कहां पर आया 2020 में 11 महीने की 24 तारीख को यानी कि अगले ही दिन अगले ही दिन क्वेश्चन दिया बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर दे दिया एक स्टेप फालतू दे दिया देखो कुछ नहीं करना था साधारण ब्याज की वार्षिक दर ग्यारह से बढ़कर साढ़े होगी आपको पता छह ब्याज की रेट बढ़ गई छह पॉइंट पांच परसेंट बढ़ गया ब्याज और समझ पा रहे हो आप को का मानिए अब ये क्या जानना चाहता पांच वर्षों के लिए दस परसेंट की दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करो अब की बार हमें ब्याज बताना है पांच वर्षों में दस परसेंट के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा मेरे भाई पचास परसेंट तो मुझे मात्र यहां पर पचास परसेंट की वैल्यू बतानी है मेरे भाई क्या मेरी बातों को समझ पाए देखो वही डीएस लगाएंगे हम छह और पांच ग्यारह ग्यारह का डीएस दो पांच से गुणा करेंगे तो ऊपर भी पांच से गुणा करनी पड़ेगी यहां पर देखिएगा एक हजार इकहत्तर था ना तो यहां पर लिखेगा एक हजार इकहत्तर था ये, ठीक है? तो यहां पर भी नीचे पांच से गुणा किया तो ऊपर भी करोगे देखो सात और दो नौ कट गया एक और एक दो बच गया यहां से यहां से दो बच गया और यहां पर पांच बच गया और यहां पर कितना बच गया पांच तो पच्चीस दूनी पचास पचास का डीएस कितना होगा मेरे भाई पांच होगा पचास का डीएस कितना आ जाएगा पांच हो जाएगा तो देखो किसका डीएस पांच है सात और नौ कट गया पांच और एक छह 6, 6 नहीं चाहिए नो कट गया दो रेक तीन और एक चार चार नहीं चाहिए मेरे भाई सात रेख आठ रेख नो नो कट गया ये नहीं चाहिए नीचे जो भी है ना मेरे भाई जो दिख नहीं रहा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नीचे जो दिख नहीं रहा वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई आंसर होगा आप काटा पीटी करके पूरा आंसर भी निकाल सकते हो पर मैंने डीएस से किया मैंने देखा डीएस पांच होगा अब डीएस इन तीन ऑप्शनों का पांच नहीं था तो मेरा आंसर डी है जो दिखाई नहीं दे रहा ठीक है ना तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है जिसको पूरा पूरी वैल्यू निकालने काटा पीटी करके पूरी वैल्यू भी निकाल लेना लेकिन स्मार्ट अप्रोच आपकी

कैलकुलेशन स्किल भी जो है ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसी YouTube पर मैं आपको दोनों चीजें सिखा रहा हूं कंसेप्ट भी और कैलकुलेशन भी कैसे फास्ट करते हैं ठीक है ना तो दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता अगर आप ध्यान से क्लासेज को देखोगे तो मेरे भाई कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता मैथ रीजनिंग के तो नंबर नहीं कटेंगे एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज से चार वर्ष के लिए निवेश करता है यदि ब्याज की दर पांच परसेंट कम होती तो उसे चार सौ रुपए कम प्राप्त होते तो राशि ज्ञात करें देखेगा मेरे भाई चार साल के लिए निवेश किया अब यह कहता है यदि ब्याज की दर पांच परसेंट कम होती ब्याज की दर पांच परसेंट कम होने का मतलब एक साल में पांच परसेंट ब्याज कम लगता और बात है चार साल की तो चार सालों में कितना ब्याज कम लगता आपको बीस परसेंट ब्याज कम लगता समझ पा रहे है मेरे भाई रेट पांच परसेंट कम करने का मतलब एक साल में ब्याज पांच परसेंट कम लगेगा तो चार सालों में बीस परसेंट ब्याज कम लगेगा वो कह रहा है चार सौ रुपए कम लगेगा तो आप कहोगे जी इस बीस परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है चार सौ दे रखी है और हमसे पूछा मेरे भाई वो राशि राशि होती है 100%, है हमेशा इसकी वैल्यू बतानी से 100 को काटोगे पर कटेगा और 5 होता है 20, और आगे हैं दो जीरो दो तो हजार रुपए जो मेरे भाई प्रिंसिपल आ गया तो सबसे आसान मेथड है कोई फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लगाने की जरूरत ठीक है ना कोई फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है बस सीख लो चीजों को बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ आपको पढ़ा रहा हूं दो हज़ार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उम्मीद करता हूं बातों को समझ पाई भाई आज एक बार भी आपने दोस्तों के पार आंकड़ा नहीं पूछा एक बार जोर लगा दो जो भी मेरे वेल विशर्स हैं जो चाहते हैं सच में मेरे साथ हैं एक बार शेयर कर दो अपने स्टेटस लगा दो और सारे ग्रुपों में शेयर कर दिया करो जो जो आपके पास ग्रुप है शेयर कर दिया करो अच्छा कंटेंट पढ़ना सबका अधिकार है अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है मेरे भाई तो सारे बच्चों को इस मुहिम में जोड़ लो और साथ दो भाई इस चीज के लिए ठीक है

चार वर्ष में पैसा कितना बन गया पिछहत्तर सौ चार रुपए बन गया अब बड़े तो डाउट है से छह हजार छिहत्तर घटा दो तो देखेगा पिछहत्तर सौ चार में से आपको कितना घटाना छह हजार छिहत्तर घटाना है तो आप देखोगे चौदह में से छह गया मेरे भाई कितना बचेगा आठ नौ बच गया नौ में से सात गया दो बचेगा यहां पर रह गया मेरे भाई चार तो चार बच गया सात में से एक बच गया बचेगा यानी कि चौदह सौ अट्ठाईस रुपया ब्याज आ गया तीन साल में तीन साल में ब्याज इतना है तो एक साल में ब्याज कितना होगा कोई बच्चा बताएगा आप कहोगे जी देखो एक साल का ब्याज निकाल लेंगे तो एक साल का ब्याज क्या आएगा तीन से काटो तीन चौके बारह दो बच गया तीन सता इक्कीस एक बच गया तीन चौके अठारह एक साल का ब्याज आ गया चार सौ छिहत्तर रुपये चार सौ छिहत्तर रुपये ब्याज लगकर ये पैसा इतना बना है तो यह पैसा था कितना आप कहोगे जी छप्पन सौ रुपया था चार सौ छिहत्तर रुपये ब्याज लगने के बाद इतना बनाए तो इसमें से चार सौ छिहत्तर घटा दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा छप्पन सौ रुपया बात को समझ पाए अब बड़े ही गौर से सुनना हमारा प्रिंसिपल जो छप्पन सौ रुपया है और प्रिंसिपल भी पूछा ना तो वह राशि तथा ब्याज की दर बताओ तो प्रिंसिपल तो मेरे भाई छप्पन सो रुपया आंसर है।, तो है तो रेट हमें बता नहीं देखेगा हमें पता जी ब्याज एक साल का चार सौ छिहत्तर है एक साल का ब्याज चार सौ छिहत्तर प्रिंसिपल छप्पन सो रेट हमें बतानी है और टाइम कितना मेरे भाई एक साल का बट एक क्या करेंगे सो करेंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी मेरे भाई सात से काटोगे के सातू आठू छप्पन सात से काटो सात छिकलीस पांच बचेगा सात आठ छप्पन चार से काटो के चार सत्रह चौका चौसठ होता है और सत्रह के बटे में दो जाएगा सत्रह के बटे में दो जाएगा ये क्या आ जाएगी मेरे भाई रेट आ जाएगी तो रेट कितनी आ जाएगी साढ़े आठ परसेंट आ जाएगी क्योंकि सत्रह बटा दो होता है साढ़े आठ परसेंट तो साढ़े आठ परसेंट रेट आ जाएगी तो मेरा आंसर है ये ए बी सॉरी बी आंसर आ जाएगा मेरा करेक्ट करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई बी तो ऑप्शन को कोई डाउट है तो जल्दी से, Hay, तो जल्दी से बताओ बी ऑप्शन का डाउट है कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई आपका बी ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा तो आगे बढ़ जाए आगे बढ़े भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेगा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन को करो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आठ परसेंट की दर से निवेश की राशि पर तीन वर्षों के बाद दो सौ चालीस का साधन प्राप्त होते हैं आठ परसेंट की रेट से तीन वर्षों के बाद ब्याज दो सौ चालीस का यदि ब्याज की दर पांच परसेंट अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता देखेगा अभी ब्याज जो प्राप्त होता है वह दो सौ चालीस रुपये ब्याज प्राप्त होता है रेट कितनी है मेरे भाई रेट है पहले आठ परसेंट की और टाइम कितना दे रखा तीन वर्ष का टाइम दे रखा तीन वर्ष का ये कहता है कि यदि ब्याज की दर पांच परसेंट अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता भाई टाइम तो वही है तीन साल का टाइम के साथ तो कोई छेड़खानी की नहीं बस रेट यहां पर कितनी होगी मेरे भाई इससे तीन परसेंट ज्यादा कितनी ज्यादा पांच परसेंट ज्यादा तो पांच परसेंट ज्यादा का मतलब है आठ और पांच जोड़ूंगा तेरा देखो मैं पहले बेसिक से बता रहा हूं शोट ट्रिक बताऊंगा इसका कमाल का तो आप देखोगे यहां पर ब्याज कितना था आठ तिया चौबीस परसेंट ब्याज था यहां पर ब्याज था चौबीस परसेंट और यहां पर कितना आ जाएगा तेरह ती उनतालीस परसेंट ब्याज तो एक बच्चा तो ऐसे करेगा जी चौबीस परसेंट की वैल्यू है दो सौ चालीस चौबीस परसेंट की वैल्यू है जी दो सौ चालीस और आप बता दोगे उनतालीस परसेंट की वैल्यू कितनी होगी ये बता दोगे तो चौबीस से इसको काटोगे दस और तीन सौ नब्बे आपका आंसर आ जाएगा ब्याज कितना आ जाएगा तीन सौ नब्बे आ जाएगा आपने एक मेरे भाई अच्छा इसने बोला कितना अधिक होगा तो आपने अब देखा ब्याज तीन सौ नब्बे आ गया पहले कितना था दो सौ चालीस था आप घटाओगे तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा एक सौ पचास रुपया तो एक सौ पचास रुपये ब्याज अधिक हो जाएगा ये आपका फर्जी मेथड है ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है जो आपको बुक्स में मिलता है ये बुक्स वाला मेथड है अब हमें क्या करना मेरे भाई हमें क्या करना बड़े गौर से सुनना हमें क्या करना शॉर्ट मेथड क्या है इसका शॉर्ट मेथड क्या है मेरे भाई शॉर्ट मेथड देखिएगा क्या है आप बस इस पर फोकस करिएगा ब्याज कितना बढ़ेगा मुझे बस ये बता दो ब्याज कितना इंक्रीज होगा पहले हमारी रेट आठ परसेंट थी या कुछ भी रही हो ना भी देगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है अब हमें पता जी ब्याज की दो दर है ना वो पांच परसेंट अधिक हो गई पांच तो परसेंट अधिक होने का मतलब है एक साल में ब्याज कितना अधिक लगेगा पांच परसेंट अधिक बन जाएगा बात चल रही तीन सालों की तो ब्याज कितना अधिक बनेगा आपको पंद्रह परसेंट ब्याज जो ना वो अधिक मिलेगा पंद्रह परसेंट ब्याज अधिक मिलेगा और मुझे यही बताना है कि कितना ब्याज अधिक प्राप्त होगा तो मुझे पंद्रह परसेंट की वैल्यू बतानी है मेरे को पता है यार देखो आठ तिया चौबीस चौबीस परसेंट ब्याज बनना था और इसकी वैल्यू थी कितनी दो सौ चालीस तो मुझे पंद्रह परसेंट की वैल्यू बतानी है मेरे दोस्त तो देखेगा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल चौबीस से काटोगे तो दस आएगा और पंद्रह कितना आ जाएगा एक सौ पचास रुपया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक सौ पचास रुपया जो है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई हो जाएगा देखो कुछ बच्चे भागने लग जाते पता नहीं उनको ऐसा क्या काम है इस टाइम मेरे भाई आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है क्या और देखो जीवन में एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी इस बात से कभी आप बच नहीं सकते जीवन में एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई या तो इस एक बार कर लो नहीं तो फिर पूरी जिंदगी मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दिहाड़ी मजदूरी खेती ऐसे ऐसे या फिर किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा और कंपनी में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने का मतलब पता है आपसे पांच लाख रुपए का काम करवा के आपको मात्र तीस पैंतीस हजार रुपये मुश्किल से देंगे तीस पैंतीस भी जब देंगे जब आपके अंदर बहुत ज्यादा स्किल है लेकिन मेरे भाई अगर आपके अंदर स्किल भी नहीं है आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो मेरे भाई क्या होगा आपको दस हजार रुपए की सैलरी देंगे और आपसे पूरा दिन दस बारह घंटे काम करवाएंगे तो इसलिए मैं कहता हूं एक बार मेहनत करनी पड़ेगी पर एक बार मेहनत करने से आपको क्या होगा आपकी जिंदगी तो सिक्योर होगी आपके माता पिता जिन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की है इतनी मेहनत कर करके उनको भी तो थो थोड़ा सुख देना ना मेरे भाई पूरी जिंदगी होगी उनको कमाते हुए थोड़ा सा सुख उनको भी देना है वो काम आप कब करोगे लो माता पिता जी अब मैं कमाने लगे आप आराम से बैठो अब आपको आपकी सिर्फ सेवा होगी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं आपकी सिर्फ अब सेवा होगी मेरे भाई वो दिन कब आएगा आपके माता पिता की जिंदगी में थोड़ा सा सोचेगा आपके जो छोटे भाई बहन है ना वो आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आपको पता है अगर आप जॉब लग गए तो उनका फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा पर आप भी जॉब नहीं लगे तो उनके मन में एक डिमोटिवेशन आता है डिमोटिवेट होते हैं वो कि मेरे भाई मेरे भाई कुछ मेरा भाई कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या उखाड़ दूंगा इन चीजों को समझते हो ना मेरे भाई किस से पांच साल पात, पात साल भटका हाँ ठीक है ना मेरे भाई तो कल क्या टॉपिक रहेगा कल मैं आपको टॉपिक अनाउंस कर दूंगा कोई बेस्ट टॉपिक ही कराऊंगा मैं कल आपको ठीक है <laughs> तो बात को समझ पाए कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा मेरे भाई तो थोड़ा सा चीजों को समझो मेरे भाई भागना मत है। थकान होगी पता नहीं क्या क्या चीजें आपको महसूस होंगी कोई आपको और दूसरा काम इंपोर्टेंट लगेगा लेकिन यकीन मानेगा इस टाइम आपके लिए पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कोई काम है नहीं अगर आप इससे भाग रहे हो तो मेरे भाई आप है ना सही मायने में अपनी जिंदगी को रहा आपकी एच एस सी प्रीविजियर क्वेश्चन पेपर की फ्री बैच आपका ऐप पर नहीं है यहां पर यूट्यूब पर ही मिलेगा फ्री जो आपका मैं मैथ और तो रिजनिंग का बैच लेकर आया हूं ये यूट्यूब पर ही मिलेगा मेरे भाई ठीक है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की राकेश देखो अगर अभी आपके जो पेपर है ना वो कौन कौन से हैं सिटी मेंस है सिटी ग्रुप डी का होगा और चंडीगढ़ पुलिस का होगा इस लेवल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ा रखा प्लीज वीडियो देखना आपको वीडियो मिल जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्योंकि पेपर का कम टाइम रह गया तो क्यों ना हम वो टॉपिक कर लें जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाए हैं है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरी वीडियो है मैंने अभी सिटी से जस्ट पहले पढ़ाई थी तो प्लीज वो कंपाउंड इंटरेस्ट